थी। तो इसका मतलब है कि हमने मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो पढ़ लिए हुए थे, क्योंकि डायार्की हमने खत्म कर दी हुई है। ऑल राइट, ऑल हाँ, वो अगर रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए हैं तो रिएक्शन मैं उस पे आता हूँ, और वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जस्ट देर आर फ्यू पॉइंटर्स, आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मूव करेंगे आज। हमने 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं वहाँ तक कर लिया हुआ है, और अभी हम जरा कोई 3-4 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाएं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मली स्टार्ट आर टुडेज लेक्चर। एज पर द इंफॉर्मेशन दैट यू गाइज हैव प्रोवाइडेड, वी हैव डन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड बाय दैट वी मीन दैट वी हैव कवर्ड आर हिस्ट्री टिल द ईयर 1919। सो वी आर ऑलमोस्ट 3 decades अवे फ्रॉम the partition of the subcontinent or the independence of Pakistan that happened in the year 1947 in the month of August. Montague Chelmsford reforms was the second constitutional reform initiative done by the British government, the colonial government in India. The first one was the Morley-Minto reforms, which was given exactly 10 years back in the year 1909. Montague Chelmsford reforms were important, but the most significant part of the Montague Chelmsford reforms was the introduction of the principle of diarchy at the provincial level, whereby
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉज इंस्टीट्यूटेड एट द प्रोविंशियल लेवल एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉज गिवन कंट्रोल ओवर फ्यू सब्जेक्ट्स विच as per the definition provided by the Montague Chelmsford reforms were called the transferred subjects. Those transferred subjects were vested in the control of a representative government, or in other words, vested with the elected chief minister and his or her cabinet. Now, this is a milestone achievement in a way that the demand for a representative government was the most fundamental demand by the Indian elites from the colonial British government. And in a way, that demand has been substantially addressed through the principle of diarchy in the Montague Chelmsford reforms. Now, the room is open for more reforms building on a representative power that is given to the Indians in the provinces. जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1935 में 1935 के अंदर थर्ड रिफॉर्म इनिशिएटिव आएगा. फर्स्ट रिफॉर्म इनिशिएटिव जो था वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, दूसरा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, और जो तीसरा रिफॉर्म इनिशिएटिव है वो आएगा 1935 के अंदर, ईयर 1935 के अंदर. उस रिफॉर्म के अंदर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं ये भी चीफ मिनिस्टर को दे दिए जाएंगे, और उससे मुराद ये है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के लोगों की हुकूमत तमाम सूबों के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. और चीफ मिनिस्टर के पास, जो कि हिंदुस्तान के लोगों का मुंतखब नुमाइंदा होगा, तमाम की तमाम पावर्स जो हैं उसके पास होंगी. लेकिन वो जाके तमाम पावर्स का कंट्रोल जो है वो मिलेगा 1935 में. अभी आप समझें कि 50% ऑफ द पावर्स हैव बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड ओनली एट द प्रोविंशियल लेवल. 35 में 50% की बजाय 100% पावर्स विल बी गिवन टू द चीफ मिनिस्टर, इन अ वे द पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया इन अ सर्टेन प्रोविंस. अब जो इंडिया के लोग थे वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, और वो उम्मीदें लगाने की वजह ये थी कि 1914 से 1918 जो चार साल थे उनमें वर्ल्ड वॉर वन हुई थी. अब वो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया कि यार आप लोग इस जंग के अंदर हमारी मदद करो, हमें हेल्प करो, तो जैसे ही जंग खत्म होगी तो हम आप लोगों को रिफॉर्म्स देंगे. सो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इन अ वे द रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉमिस दैट द ब्रिटिश मेड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट वी विल गिव यू रिफॉर्म्स. बट एट द सेम टाइम सिंस द पीपल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, इन द वर्ल्ड वॉर वन, टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, that's why the people of India were having a lot of expectations from these reforms and they were in a way disappointed. Unki expectations se kam jo hai na wo unhein reforms mile the, to isliye the so the reforms were not taken or not accepted with a fanfare that the British might have accepted. कि यार ये देखो हमने इनको वज़ीर-ए-आला का दफ्तर बना दिया है और 50% powers जो हैं सूबों में इनको दे दी हैं, तो इनको खुश होना चाहिए. But no, the people of India were expecting more. So in a way, there was a general feeling of disappointment among the people of India with regard to the Montague Chelmsford reforms. So the reaction was sort of lukewarm reaction. The people weren't happy and Congress and Muslim League, now
if we look at the perspective of these two political parties, apart from the general populace of India, these two political parties, recently they came closer to each other through Lucknow Pact. तो उस पैक्ट में इनकी कुर्बत बड़ी थी आपस में, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि हम दोनों सियासी जमातें और हिंदुस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं ही हम, तो इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी यूनिटी देख के बहुत कुछ देगी, बहुत सब्सटेंटिव किस्म के, बड़े रेडिकल किस्म के रिफॉर्म्स देगी. सो दीज टू पोलिटिकल पार्टीज वर ऑल्सो स्टंड, दे वर ऑल्सो सरप्राइज बिकॉज द रिफॉर्म्स वर नॉट as per their expectations. They thought that since we have come together, to pata nahi angrez kya kya hume de dega, lekin angrez ne nahi diya. So these two political parties also, you know, rejected the reforms, aur inhone kaha ki this is not acceptable. But now, moving on, it is very important that we historically situate ourselves. Hum apne aap ko situate karein ki hum kahan khade hain, is sare safar ke andar kahan khade hain, और अपनी मंजिल से कितना दूर खड़े हैं. मंजिल हमारी जो है वो 1947 का में जो इंडिपेंडेंस होगी और जो पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट होगी वो है मंजिल. हम इस टाइम खड़े हैं ईयर 1919 में, फॉर इंस्टेंस. अब एक तरफ तो आपको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मिले, मतलब एक हमारी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी चल रही है. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, शिमला डेपुटेशन हुई, मुस्लिम लीग बनी, फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर ये रिफॉर्म्स आ गए. ये हमारी एक कॉन्टिन्यूम चल रहा है, हमारा एक तसलसल चल रहा है. अब ये जो तसलसल की एक स्ट्रीम है, एक ये स्ट्रीम है, इसके साथ पैरेलल कुछ छोटे छोटे इवेंट्स और भी हो रहे हैं. अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने अहम नहीं है, मगर इनका एक बेयर बेसिक आइडिया होना आपके लिए बहुत लाजमी है, ठीक है, ताकि आप जब अपना जवाब पेपर के अंदर लिख रहे हों तो उसके अंदर टोटैलिटी हो. तो आपको सिर्फ एक स्ट्रीम के अलावा जो साइड वे इवेंट्स हो रहे हैं और हैपनिंग्स हो रही हैं उनका भी इदराक होना चाहिए. तो अगर हम उन इवेंट्स के ऊपर देखें जो साइड बाय साइड हो रहे थे, जब ये रिफॉर्म्स हो रहा है, लखनऊ पैक्ट हो रहा है, पूरा एक तसलसल चल रहा है, तो साथ हिंदुस्तान के अंदर और क्या हो रहा, ये जानना हमारे लिए जो है वो लाजमी है. तो उस असना में अगर हम देखें तो हुआ ये कि आपको पता है कि मैंने ये बात पहले भी की थी कि 1914 से 1918 ये जो 4 साल हैं ये वर्ल्ड वॉर वन के साल कहलाते हैं. अब अंग्रेज जो है वो जर्मनी के खिलाफ ये वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर उसको जर्मनी की रेजिस्टेंस का सामना है. अंदरूनी तौर पर वो देख रहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो उसके खिलाफ इतिहाद कर रहे हैं. तो मतलब अंग्रेज जो है वो इन अ वे बैरूनी चैलेंजेस के अंदर भी घिरा हुआ है और अंदरूनी चैलेंजेस के अंदर भी घिरा हुआ है. तो जब इसको कहते हैं टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो, टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो. अब इस सिनेरियो के अंदर जब व्हेन यू आर सैंडविच्ड between the external challenges and the external internal challenges, so you get a feeling of insecurity basically, and when you get insecure you get desperate. So in this wake of desperation what the British done is that they thought ke ye na ho ke hum bahar angrez Germany ke khilaf lad rahe hain aur world war ke andar busy ho aur meanwhile hindustan ke andar koi aise tabqat ho jo hamari kamzori ka fayda uthana chahe aur wo shayad hamari hukmrani ko hindustan mein jo hai wo khatam karne ki koshish kare. Asan lafzon mein angrez ko ye dar tha ki kyunki hum bahar jang mein busy hain to ye na ho ke hindustan ke andar kuch aise log ho jo hamare khilaf kisi kism ke revolution ki jo hai wo planning kar rahe hain. Ye unka shak tha. Is shak ko मुस्तहकम करने के लिए या इसको वेरीफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिसंबर 1917 के अंदर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो जस्टिस रॉलाट नाम के एक शख्स थे. और इस कमेटी का ये काम था, अगर आप थर्ड पॉइंट इस स्लाइड पे देखें जो आपको विजिबल होगी आई होप सो, थर्ड पॉइंट पे इस कमेटी का जो मेन टीओआर है जिसको टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं वो ये है
टू इन्वेस्टिगेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया. तो व्हेन दिस कमेटी इन्वेस्टिगेटेड, द कमेटी दैट वाज फॉर्मड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर रोलार्ट, जस्टिस रोलार्ट, तो आफ्टर यू नो हैसल ऑफ अराउंड फ्यू मंथ्स, दिस कमेटी केम टू अ कंक्लूजन दैट यस, देयर इज अ कंसिडरेबल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया दैट इज बेंट ऑन एक्सप्लॉयटिंग द ब्रिटिश वीकनेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन. सही है. तो अगर आप लास्ट पॉइंट देखें तो उसमें वही बात रिट्रीट हो रही है कि उस कमेटी ने कहा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकलाबी इकदामात का एहतमाम कर रहे हैं और वो अंग्रेज हुकूमत की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर बिजी है. अब इस कमेटी ने जब ये कंफर्म किया कि देर इज अ कंसिडरेबल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी गोइंग ऑन इन इंडिया, तो व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेड इज कि उन्होंने इस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए एक कानून पास किया जिसको रोलार्ट एक्ट कहा जाता है. ठीक है, तो ये जस्टिस रोलार्ट के नाम पे ही ये कानून बना, रोलार्ट एक्ट. एक्ट मतलब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो लॉ है ये पास किया. और इस एक्ट के अंदर बहुत कुछ था, लेकिन इसके जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये जो आपके सामने भी स्लाइड आई है वहां ये दर्ज हैं. पहला जो इसका टेनेट है इस एक्ट का, वो था कि अरेस्ट विदाउट वारंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर है वो किसी भी हिंदुस्तानी को या किसी भी और शख्स को वो अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट, और उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं है. दूसरा जो मेन टेनेट था इस एक्ट का वो ये था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन डिटेन एनी पर्सन विदाउट बेल. ठीक है, तो किसी भी शख्स को हबसे बेजा में रखा जा सकता है और बेल के बगैर, उसको बेल की जो रेमेडी है या बेल का जो राइट है वो किसी शख्स को अवेलेबल नहीं होगा और उसको उसके घर के अंदर जो है वो नजरबंद किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल हैव द राइट टू ऑर्डर पीपल वेयर टू लिव, और सूबाई हुकूमतों के पास ये हक होगा कि वो किसी भी शख्स को ये हुक्म दे सकते हैं कि चलो तुम अपने घर से छुट्टी करो और कहीं और जाके रहो. फॉर इंस्टेंस, अभी आप लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए या अपनी अपनी जगहों के ऊपर बड़े इत्मीनान के साथ ये लेक्चर ले रहे हैं बिकॉज यू गाइज हैव अ सर्टेनिटी दैट दिस प्लेस, दिस होम बिलोंग्स टू यू बिकॉज यू हैव फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इनश्राइंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू फील सर्टेन एंड सिक्योर अबाउट दैट. ये फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपको डिप्राइव कर रही है कि अगर सूबाई हुकूमत डिप्टी कमिश्नर आके आपको हुक्म देता है कि अपने घर से निकलो और कहीं और हिजरत कर जाओ तो आपको वो हिजरत करनी पड़ेगी. नाउ दीज टेनेट्स ऑफ रोलार्ट एक्ट आर इन अ शियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जो इंसान के बुनियादी हकूक होते हैं ये उनके खिलाफ है. अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, दिस गोज अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल. ठीक है, मतलब एक अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पढ़ें आर्टिकल 8 से लेके 18 तक 28 तक, तो आपको वहां लिखा होगा राइट टू फेयर ट्रायल कि हर इंसान के पास फेयर ट्रायल का हक होगा. आप बस किसी पर इल्जाम लगा के इसको पकड़ नहीं सकते. ठीक है, तो पूरा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ जो है फॉलो होगा. पुलिस जो है किसी बंदे को तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा. रियासत के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होंगी कि वो अपने शहरियों की जिंदगी जो है उसको तंग कर सके. उसी तरह सूबाई हुकूमत जो है वो किसी भी शख्स की जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक बुनियादी हकूक है उसे डिप्राइव नहीं कर सकती. सो दिस एक्ट इन अ वे गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट वाज द आफ्टरमैथ? देयर वाज एब्सोल्यूट अप्रोर इन इंडिया. पीपल वर अप इन देयर आर्म्स एंड के ये किस किस्म का एक डिक्टेटोरियल लॉ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि बड़ी जमहूरियत और इंसानी हकूक की बातें करती है उस हकूमत ने एक कैसा काला कानून जो है वो नाफिज कर दिया है. जिना
को इस बात पे, इस एक्ट के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो मरकजी कानून साज काउंसिल थी, जो कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के वक्त से बनी हुई थी और अब उसका मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आके वो मजीद मस्तहकम होगी, मरकजी सतह की जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जिना साहब मेंबर थे, और गुस्से में अगेंस्ट, एज अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस एक्ट, उन्होंने रिजाइन कर दिया और गांधी ने स्ट्राइक, हड़ताल जो है वो इस एक्ट के खिलाफ जो है वो लॉन्च कर दी। सो बेसिकली जी, जनरली द पीपल ऑफ इंडिया वर वेरी मच फ्यूरियस ऑन द पासिंग ऑफ दिस एक्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिकॉज दिस एक्ट डिनाइड फंडामेंटल राइट्स टू देम। अच्छा, अब ये तो एक्ट आया हुआ है और उसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। फिर होता ये है कि ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं और मुजाहरे हो रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेक्शन 144, ये आप खबरों में भी सुनते हैं, अभी जो खान साहब के खिलाफ दो तीन मुकदमे हुए हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, उन दो तीन मुकदमों में से एक मुकदमा जो है वो ये है कि उन्होंने सेक्शन 144 की वायोलेशन की है। सेक्शन 144 जो है ये अंग्रेज का बनाया हुआ एक कानून है जिसके मुताबिक तीन और चार से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते या जमा नहीं हो सकते, और खान साहब ने कोई 20,000 बंदा इकट्ठा किया हुआ था F9 पार्क के अंदर। सो अंग्रेज ने पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर या तीन या चार से ज्यादा अफराद के इज्तमा के पर पाबंदी लगाई हुई थी, मगर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के शहर के अंदर फसादात शुरू हुए, इसको कहते हैं रॉयटिंग स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर, अगर आप सेकंड पॉइंट देखें, एंड टू बैंक्स वर अटैक्ड एंड 5 यूरोपियंस वर किल्ड। ठीक है, और उन फसादात के अंदर दो बैंक जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ और 5 यूरोपियंस को मार दिया गया। अमृतसर शहर के अंदर एक मिलिट्री कमांडर थे, उनका नाम था जनरल डायर, हु वाज अ ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर, एंड ही वाज डिटरमिन्ड टू रीस्टोर ऑर्डर। तो वो जो फसादात अमृतसर शहर के अंदर हो रहे थे, उसने ये ठान लिया, उसने ये फैसला कर लिया कि मैं ऑर्डर रीस्टोर करूंगा और मैं इस एरिया के अंदर जो है पीस को वापस लाऊंगा और इन फसादात को खत्म करूंगा। तो उसने मजीद ऐलानात किए कि कहीं भी कोई लोगों का इज्तमा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस स्लाइड का सेकंड लास्ट पॉइंट देखें तो वहां लिखा है कि एंगर्ड, सो जनरल डायर वाज एंगर्ड व्हेन अ क्राउड ऑफ एस्टिमेटेड 20,000 पीसफुल प्रोटेस्टर्स गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। सो जलियांवाला बाग वाज दिस गार्डन इन द सिटी ऑफ अमृतसर, जैसे लाहौर के अंदर जिना गार्डन है तो इसी तरह अमृतसर के अंदर जलियांवाला गार्डन या जलियांवाला बाग उसको कहेंगे, वहां को 20,000 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए और वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जनरल डायर जो हैं उनकी ट्रूप्स आए, मतलब उनके सोल्जर्स आए और उन्होंने उस क्राउड के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके रिजल्ट में 400 लोग जो हैं वो मारे गए और 1200 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। नाउ दीज आर द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, 400 पीपल किल्ड एंड 1200 वाउंडेड, एंड गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि शहादतें जो हैं वो इससे भी ज्यादा हुई होंगी। नाउ दिस किलिंग ऑफ द 400 पीपल and 400 peaceful protesters, this event is called Amritsar massacre and it is considered as a dark spot on the face of the British enterprise in the Indian subcontinent. So this is the Amritsar massacre. ठीक है, ये एक event हो रहा है। सवाल साथ एक आया है जी, शीजा अख्तर कह रही है कि सर ये रूल कोई भी फॉलो नहीं करता, फिर खान पर मुकदमा क्यों हुआ, बाकी पार्टीज भी गैदरिंग करती हैं। जी वो एक अलहदा बहस है, वो कंटेक्सचुअल डिबेट है, वो पाकिस्तान की जो आजकल प्रेजेंट पॉलिटिक्स चल रही है उसके साथ उसका ताल्लुक है। बहरहाल वो किसी और फॉरम के ऊपर हम उसकी डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा जी, तनवीर जुमाली साहब, आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया, मैं आई विल कम बैक टू इट, लेक्चर के जो आखिरी अवाइल होंगे ना उसमें आप मुझसे पीछे पूछ लीजिएगा, इस बात पे हम गुफ्तगू करेंगे, फिलहाल हम लेक्चर पे रहते हैं।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है जी, ये क्योंकि गांधी साहब ऑलरेडी नाराज हैं, आपने रौलट एक्ट पास किया हुआ है, चलें आपने एक्ट पास किया, बुरी बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने पास कर दिया। अगर हमने इसके ऊपर थोड़ी चीखों पुकार कर ली तो इसका ये मतलब है कि आप हमारे अमृतसर के अंदर 400 बंदों को मार देंगे। तो गांधी साहब को गुस्सा आया और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको उर्दू के अंदर हम अदम तावुन की तहरीक कहते हैं, और इसके अंदर बेसिकली गांधी साहब की एक फिलॉसफी थी, उसका नाम है सत्याग्रह। अब मैं उसका नाम जो है वो नीचे मैंने मेंशन इधर चैट बॉक्स में किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह इज द फिलॉसफी ऑफ गांधी, और इसको अगर मैं अंग्रेजी के अंदर आसान लफ्जों में आप लोगों की आसानी के लिए ट्रांसलेट करूं तो ये बनेगा नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, कि वायलेंस नहीं होगा लेकिन रेजिस्टेंस की जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अंग्रेज के जो है कपड़े बेचता है तो हम कपड़े नहीं खरीदेंगे, वो स्कूल बनाता है तो हम स्कूलों में बच्चे नहीं दाखिल कराएंगे, वो अदालतें बनाता है तो हमारे वकला अदालतों में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम बायकॉट करेंगे, हम पैसिव हो जाएंगे, हम एक्टिव नहीं होंगे, हम आपकी कोई जाके आपकी बिल्डिंग को आग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम कोऑपरेट भी आपके साथ नहीं करेंगे, और इस तरह जो है हम आपको सफोकेट कर देंगे, आपको थका देंगे और आप आखिर पे हमारी बात मान लेंगे। ये एक गांधी की फिलॉसफी थी सत्याग्रह या पैसिव रेजिस्टेंस की या नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की। नाउ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अदम तावुन की तहरीक जो है ये मार्च 1920 में स्टार्ट हुई, गांधी साहब ने इसको लीड किया, और जहां जहां क्योंकि ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज वेरी मच इन द वोग इन दोज डेज, ठीक है, मैनचेस्टर वॉज कंसिडर्ड एज द ग्लोबल सिटी ऑफ टेक्सटाइल, तो उनकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थी वो वहां से मैनचेस्टर से बना के यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को बेचते थे और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अर्न करते थे। तो गांधी साहब ने कहा कि हम इनके जहां जहां भी कपड़े हैं उनको आग लगा दें और इनके कपड़े खरीदे ना, ताकि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान पहुंचे। साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अपने जो अंग्रेज ने स्कूल और कॉलेजेस बनाए थे वहां से उन्हें कहा था कि ये छोड़ दें। लॉयर्स को कहा गया कि वो अदालतों में जाना बंद कर दें और अपनी प्रैक्टिस को गिव अप कर दें। और साथ ही साथ जो 1919 के अंदर, अब ये मार्च 1920 के अंदर ये तहरीक जो है ना वो शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले वाला ईयर जो है वो 1919 है, उसके अंदर क्या हुआ था? आप लोग कोई मेरी मदद कर पाएंगे रिकॉल करने के अंदर कि 1919 के अंदर क्या हुआ था? आई हैव गॉट एन आंसर जी, कि 1919 में लखनऊ हुआ था। नहीं, नूरे इलाही, ये नहीं कि उनकी दुकान में जाके आग लगानी थी, वो कह रहे थे आपने अगर इनकी कोई शर्ट शूट खरीदी हुई है, कोई बुनियान वगैरह खरीदी है घर के अंदर, तो बस उसको आग लगा दे, इसका ये मतलब है, इन अ प्राइवेट कैपेसिटी जी। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे जी 1919 में। अब रिफॉर्म्स जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड आए थे उसके अंदर आपको याद होगा कि उन्होंने वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया, और सूबाई, उन्होंने कहा कि सूबों के अंदर मुंतखब हुकूमतें आएंगी, ठीक है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को देखेंगी, ठीक है, मुंतखब हुकूमतें सूबों में आएंगी। ये जो मुंतखब हुकूमतें आती हैं ये कैसे आती हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तरीकाकार क्या है, आप लोग अपनी हुकूमत का इंतखाब 5 साल बाद किस प्रोसेस के जरिए करते हैं? इलेक्शंस, ठीक। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1919 रिफॉर्म्स का ये था कि अभी इलेक्शन होंगे और सूबों के अंदर हुकूमतें आएंगी, लेकिन चूंकि अमृतसर मैसेकर हुआ था और गांधी साहब की अदम तावन की तहरीक ने ये कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं इनका बायकॉट किया जाए, इनको इग्नोर किया जाए, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अंग्रेज जालिम है, उसने रॉलट एक्ट बनाया है और उसने हमारे बंदे मार दिए हैं अमृतसर के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से हम उसकी किसी भी किस्म के रिफॉर्म इनिशिएटिव को मस्तहकम होने से रोकेंगे।
ये तो मैं बता रहा था कि अब 1919 तक हमारा हमारी एक्सट्रीम चल रही थी, लखनऊ पैक्ट और मॉन्टेक चांसफोर्ड फॉर्म्स। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन्हीं 4-5 सालों में कुछ साइड बाय कुछ और इवेंट्स भी हो रहे थे, जिसमें रौलाट एक्ट है, जिसमें अमृतसर मैसेकर है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज है। मेन जो चीज है, जो अब मेन टॉपिक आएगा, जो साइड वे इवेंट्स में हो रहा है और जिसके ऊपर आप फुल फ्लेज 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है खिलाफत मूवमेंट। ठीक हो गया जी। और आप समझें कि आप रफली हैं ईयर 1921 के अंदर, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो हैं वो आजादी के करीब जा रहे हैं, उस आजादी के करीब जिस पे कभी कभी सैलाब आ जाया करेगा। ठीक हो गया जी। तो खिलाफत मूवमेंट हमारा जो मेन टॉपिक है, एंड आई रिपीट अगेन कि इसके ऊपर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जामिनर को ये टॉपिक 20 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल के लिए प्री पार्टीशन वाले पार्ट से बहुत ज्यादा पसंद है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कायद ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? हाँ, ही वाज सिंपथेटिक टू इट, क्योंकि वाकया बहुत बुरा हुआ था, ये वाला जो था अमृतसर मैसेकर का। बाद में जनाह साहब इमिडिएटली, तो जनाह साहब इसके थोड़े बहुत हक में ही थे, लेकिन बाद में इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। बहरहाल उस पे अब आएंगे हम जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो जो टॉर्च बियरर था वो मोहनदास करमचंद गांधी साहब थे। ठीक हो गया जी। खिलाफत मूवमेंट इज द टॉपिक। आपका और कोई सवाल है पिछले टॉपिक्स में? कोई आपके कोई कॉमेंट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं जी, मुस्लिम्स बिल्कुल इन्वॉल्व थे गांधी से। वो अब असल में हमारी बचपन की ट्रेनिंग ही रियासत ने ऐसी कराई है ना कि हमें ऐसा लगता है कि गांधी का लफ्ज आएगा तो मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो सारी जिंदगी गांधी के साथ खड़े रहे। ठीक है। तो और उसके अलावा बहुत ज्यादा मुस्लिम ऐसे हैं जो गांधी के फॉलोअर्स थे, सो दे वर पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो गांधी इन अ वे वाज अ क्रॉस सेक्शनल लीडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। प्रीडोमिनेंटली हिंदू लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन मुसलमान हलकों के अंदर भी वो हमायत रखते थे जी। और कोई क्वेश्चन है आपका? इफ इट इज क्लियर प्लीज डू लेट मी नो, ताकि हम फिर अपना जो मेन टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट का उसको स्टार्ट करें। बेहतर। खिलाफत मूवमेंट जी, मैं पहले इस पे थोड़ी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्लाइड पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसको डिस्कस करते जाते हैं। खिलाफत पहले जी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या चीज है। आप लोगों के इस्लामियात के लेक्चर्स होंगे और मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट बी मुस्लिम एंड मस्ट हैव कम फ्रॉम द मुस्लिम हाउस होल्ड, मे बी नॉट प्रैक्टिसिंग और कन्फॉर्मिंग मुस्लिम्स, बट स्टिल नॉनदलेस रूटेड इन योर कल्चर। चार खुलफाए राशिदीन थे। हजरत अबू बकर सदीक पहले खलीफा थे, फिर हजरत उमर थे, फिर हजरत उस्मान थे और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। तो ये चार जो कैलिफ्स हैं इनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। फिर उमय्याद कैलिफेट आ गया, फिर अब्बासिड कैलिफेट का जमाना आ गया, और फिर अब्बासिड कैलिफेट के पैरेलल जो है वो फातिमाइड कैलिफेट आ गया। ये आप इस्लामिक हिस्ट्री है, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी जी मैं बिल्कुल वही कह रहा था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, फिर हजरत अली। तो ये चार खुलफा राशिदीन हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि खिलाफत खानदानों में आ गई। तो पहले उमैया खानदान ने खिलाफत की 300-400 साल, फिर अब्बासी खानदान ने खिलाफत की। ठीक है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो मुसलमानों के यहाँ सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, जो सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती थी, वो कैलिफ होता था। सो कैलिफ वाज अ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा और द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब। ठीक हो गया जी। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि अब्बासिड कैलिफेट के बाद कौन सी फैमिली है या कौन से वो लोग हैं जिनके पास कैलिफेट गई? एनी आइडिया? बिल्कुल जी।
ऑटोमान, ठीक है, जो ये अर्तुग्रुल सीजन है, यहां से आपको भी आइडिया होगा कि सल्तनते उस्मानिया या खिलाफते उस्मानिया उसको। सो बेसिकली आसान लफ्जों में इट वेंट टू द टर्क्स बेसिकली, ठीक है, तो टर्क्स के पास कैलिफेट आ गया जी। यहां तक क्लैरिटी है, टर्क्स तक हमने कैलिफेट पहुंचा दी है। अब हम इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ ये कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी वो 1914 से 1918 में, उसमें एक तरफ यूके था और यूके के साथ यूएसए था और साथ जो है वो फ्रांस था, ठीक है, और इन ये किसके अगेंस्ट थे? ये अगेंस्ट थे जर्मनी के, ठीक है, ऑस्ट्रिया के और टर्की के, ठीक है। हमारा जो इस टॉपिक के लिए कंसर्न है वो ये मुल्क है, ठीक है। तो आपको पता है कि जिंदगी के अंदर और जिंदगी की जो अक्यूट फॉर्म होती है वो पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स में फिर तो नेसेसरी हो जाता है कि जो जीतने वाला होता है वो हारने वाले को पनिशमेंट देता है, ठीक। जब मैं पावर में होऊंगा मैं आपके खिलाफ केस बनाऊंगा, ठीक है, जब आप पावर में आएंगे आप मेरे खिलाफ केस बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह हम लड़ते रहेंगे। बट हूएवर विंस ही डिसाइड्स टू पनिश द लूजर, ठीक है, यही है ना, मतलब नॉर्मल विल्डरनेस के अंदर या रियल लाइफ के अंदर इसी तरह होता है। तो जब वॉर खत्म हुई वर्ल्ड वॉर वन, तो ये जो लोग हैं, ये तीन मुल्क, ये विक्टर्स थे, ठीक है, मतलब ये विनर्स थे, इन्होंने वॉर को विन किया, और ये जो है टर्की वगैरह ये लूजर्स थे, ठीक है, दे लॉस्ट दिस वॉर ना। तो अब इन तीनों ने, यूके, यूएसए और फ्रांस, ये जो विनर्स हैं, इन्होंने फैसला किया कि ये जो लूजर्स हैं इनको हम पनिशमेंट देंगे कि इन्होंने इतना हमारे से लड़ाई की और इतना तंग किया, हमारी नींद शींद खराब की, वीकेंड्स खराब किए हमारे, ठीक है, मतलब वॉर के अंदर इट्स अ टफ टाइम ना, तो उन्होंने कहा कि हम इनको पनिशमेंट देंगे। तो फिर 1919 के अंदर, ठीक है, उन्होंने एक ट्रीटी आई, मैं उस ट्रीटी का चले आपको हवाला देता जाता हूँ, स्लाइड में भी आएगी। 1919 के अंदर फ्रांस जो है, फ्रांस के शहर वर्साइल्स के अंदर, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन जस्ट अराउंड फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, वर्साइल्स के अंदर ये जो विक्टर्स हैं, विनर्स हैं, इन्होंने एक आपस में एक मुआहिदा साइन किया जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है। वर्साइल्स के स्पेलिंग वो आगे स्लाइड में आ जाएंगे। इस ट्रीटी में इन्होंने जर्मनी को पनिशमेंट दे दी और ऑस्ट्रिया की भी पनिशमेंट दे दी। जर्मनी को पनिशमेंट दी कि पोलैंड तुमसे ले लिया जाएगा, हम इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनते जाएं कि ये हो क्या रहा है, हम ये स्टोरी टेलिंग हो रही है, बाकी पॉइंटर्स हम स्लाइड में पढ़ेंगे अभी जाके। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर जर्मनी को पनिशमेंट दे दी और ऑस्ट्रिया को पनिशमेंट दे दी और टर्की को फिलहाल इन्होंने कहा चलो टर्की के बारे में सोचते हैं, ठीक। अब मुसलमानों को जब ये पता चला और पर्टिकुलरली जो इंडिया के मुसलमान थे कि यार टर्की को भी पनिशमेंट मिलेगी, और टर्की का रोला क्या है कि टर्की के हाँ ओटमान कैलिफ बैठा हुआ है, तो मुसलमानों का जो खलीफा है वो टर्की का लीडर है, और अगर टर्की को पनिशमेंट मिली तो इसका मतलब है कि खलीफा को पनिशमेंट मिली, तो ये तो हमारे जो इस्लामिक, हमारा जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहा है ना कि हमारे कैलिफ को आप पनिशमेंट देंगे, ठीक। अब ये जो इंडिया के मुसलमान है, मैं यहां लिख भी देता हूं, इंडिया के अंदर तब पाकिस्तान तो बना नहीं था, इंडियन मुस्लिम्स जो है, ये इन तीन मुल्कों में से किसके ज्यादा नजदीक हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस, इंडिया के मुसलमान किसके ज्यादा करीब है, आपको क्या लगता है किसके साथ ज्यादा ताल्लुक है विनर्स में से? बिल्कुल जी, यूके के साथ, ठीक है, और यूके लीडर है विनर्स का, और विनर्स पनिशमेंट दे रहे हैं और वो टर्की को पनिशमेंट देंगे। तो इंडिया के लोगों ने एक
लोगों में से भी पर्टिक्यूलरली मुस्लिम्स ने एक तहरीक या एक मूवमेंट का आगाज किया। उस मूवमेंट के जरिए इंडिया के लोगों ने कहा कि हम यूके को कन्विंस करेंगे कि वो टर्की को पनिशमेंट ना दे, क्योंकि टर्की का जो लीडर है वो कैलिफ है और कैलिफ जो है वो हमारे लिए बहुत अकीदत रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिश होनी है, ये जो इंडिया के लोगों ने यूके की गवर्नमेंट को कन्विंस करना है, उनको परसुएड करना है कि वो टर्की को पनिशमेंट ना दें, इस सारी चीज को हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक हो गया, तो ये तो होगी इसकी स्टोरी टेलिंग। अब हम इसको जरा पॉइंटर्स के अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं कि आगे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड कैसे हुई। Alright, so during First World War, there were two sides, UK, France, US versus Germany, Austria, Turkey. Turkey or Ottoman Empire were led by Caliph. Treaty of Versailles set out to punish defeated players, and this worried Muslims in India, for Caliph was spiritual head of Muslim community. जी, इस स्लाइड से मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। बेहतर, very good. लेकिन क्योंकि हमने पेपर लिखने हैं तो जरा चीजों को अब इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। ठीक है, हमें मेन आइडिया तो हो गया खिलाफत वाली सारी चीज का, एक अब उसको ना थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने आंसर लिखने, आंसर में पैराग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीजें, तो हम अपनी पूरी क्लैरिटी को थोड़ा सिस्टमिक कर लेते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक सब टॉपिक है, रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैलिफेट मूवमेंट, व्हाई द खिलाफत मूवमेंट केम इनटू बीइंग। तो वैसे तो हमें जनरली तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये तहरीक क्यों वजूद के अंदर आई, लेकिन देख लेते हैं पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो कि जो मैंने किताब आपसे शेयर की हुई है उसके अंदर है द डीप सीटेड मुस्लिम फियर्स, के मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, उनके दिलों के अंदर डीप सीटेड फियर्स थे। सो इंडियन मुस्लिम्स वर सस्पिशियस ऑफ द वे Britain has treated Muslims in the past. Mariam, इस सवाल को भी एंड पे लेते हैं, विच बुक को, अभी बस फ्लो में रहते हैं, मैं बता के जाऊंगा। ठीक है, Indian Muslims were suspicious of the way Britain has treated Muslims in the past. हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो अंग्रेज ने माजी के अंदर मुसलमानों को जैसे ट्रीट किया है उसके बारे में बड़े शक की निगाह से अंग्रेज को देखते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि जिस तरह इसने माजी में मुसलमानों को ट्रीट किया है ये अभी भी वैसे करेगा। मतलब क्या, यहाँ बात क्या हो रही है? मिसट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन पर्शिया एंड अफगानिस्तान। थोड़ी सी जी पेंटिंग करनी पड़ेगी, माइंड ना कीजिएगा, थोड़ी सी वियर्ड सी पेंटिंग है। ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो हमारी फाटा और बलूचिस्तान का सारा इलाका है, ये समझ लें कि ये वो है, अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर चीज, ये वो है एरिया, और ये एरिया जो है इसको हम कह देते हैं CARs। ठीक है जी, CARs, इसको इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये मुल्क कजाकिस्तान, ये सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स। ठीक है, ये आपने लफ्ज सुने होंगे, ये मुल्क जो है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये वाला जो इंडिया है, ये इलाका है, इसको हम कह देते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये आजकल प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। दरमियान में नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान में दो मुल्क हैं, ये एक मुल्क जो है ये ऊपर है यहाँ होगा और एक मुल्क यहाँ होगा। ये ऊपर कौन सा मुल्क होगा जी? थोड़ी बहुत अगर आपने मैपिंग देखी हुई है और ज्योग्राफी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऊपर है जी अफगानिस्तान, तो ए से मैं अफगानिस्तान कर देता हूँ। वेरी गुड, मतलब पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड पे दो मुल्क हैं, उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था तो उसको कहते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नीचे कौन सा मुल्क होगा?
ईरान, और ईरान का दूसरा नाम है पर्शिया, तो इसको मैं पी से कर देता हूं पी। ये जो उस जमाने में पाकिस्तान वगैरह बनने से पहले ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया किसके कंट्रोल में था 1947 से पहले? ब्रिटिश। ठीक है, तो मैं बी लिख देता हूं, ब्रिटिश कंट्रोल में। और ये जो कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये ताजिकिस्तान वगैरह, ये किसके कंट्रोल में थे? रशिया। ठीक है, हाँ, सोवियत यूनियन, रशिया, यूएसएसआर, चले हम अपनी आसानी के लिए आर लिख देते हैं, रशिया। अच्छा, यहां तक आप समझ गए। अब आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, कि व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट, हु गेट टू सफर? लैंड। ठीक है, चले, मेरे इसके काफी वर्जन्स हैं, पर ये ग्रास वाला वर्जन ज्यादा अच्छा है, तो ग्रास में लिख देता हूँ। ठीक है, कि जब हाथियों की जंग होती है तो नुकसान जो है वो घास का होता है, ये उर्दू का भी एक मुहावरा है। ठीक है, अब यहाँ दो एलिफेंट्स हैं, एक रशिया और एक ब्रिटेन, और घास ये मुल्क हैं। दे वर द बफर कंट्रीज। ठीक है, बफर कंट्रीज, दो, इन्होंने अपना स्फेयर ऑफ कंट्रोल यहां तक रखा हुआ, ब्रिटेन ने यहां तक रखा हुआ, ये टू ग्रेट पावर्स हैं और ये आपस में लड़ रही हैं, ब्रिटेन और रशिया, और इनकी आपसी लड़ाई में इन दो मुल्कों को अफगानिस्तान और पर्जिया, जो कि दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनको एज प्रॉक्सीज इस्तेमाल किया गया। ठीक है, प्रॉक्सीज, एज वॉर फॉडर, अगर मैं अंग्रेजी का मुहावरा इस्तेमाल करूं, ठीक है, जंग का मवाद। ठीक है, और इनकी लाइफ जो है इन दोनों मुल्कों की ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर मैसी रही, अफगानिस्तान की और पर्जिया की। ठीक है, अभी भी अफगानिस्तान की लाइफ, पर्जिया खराब है, ईरान ने तो अपना सीन थोड़ा बेहतर कर लिया हुआ है। ठीक, तो मिसट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन पर्जिया एंड अफगानिस्तान, तो अंग्रेज जो है वो अपने इंटरेस्ट देखता है जब वो किसी बड़े हाथी से लड़ रहा होता है, और दरमियान वाले मुल्क जो है वो सफर करते हैं। अच्छा, एक तो ये कहानी होगी, अब मैं इसकी एनोलॉजी ड्रॉ करता हूं, मैं हमारी, जी, ये लेते हैं नमाज की ब्रेक में, बस ये टॉपिक खत्म कर लूं। अब जो वर्ल्ड वॉर वन हुई, उसके अंदर जो दो एलिफेंट्स हैं, वो एक है यूके और दूसरा है जर्मनी। ठीक है, दो एलिफेंट्स हैं, और उसके दरमियान जो ग्रास बन रहा है, बेशक उसने जर्मनी की साइड ली, इन मुल्कों में से भी कोई ना कोई, अफगानिस्तान पर्जिया में से भी कोई किसी की साइड लेता था, टर्की जो है वो ग्रास बन गया। तो मुसलमान कहते थे कि रूस के साथ अपनी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में अंग्रेज ने जो अफगानिस्तान और ईरान के मुसलमानों के साथ सलूक किया, वही सलूक जो है अब जर्मनी के साथ अपनी लड़ाई में अंग्रेज टर्की के मुसलमानों के साथ करेगा। तो वो एक माजी का एक एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाँ डीप सीटेड जो हैं वो फियर्स थे। ठीक है, तो एक तो वो हिस्टोरिकल मेमोरी थी जो बता रही थी कि टर्की के साथ बुरा होने जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ इज अंडर थ्रेट। तो जो कैलिफ एक इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब उसमें प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस है, उसके अंदर डिफरेंट लोग आते जाते रहते हैं, लियाकत अली खान से लेके शहबाज शरीफ तक मुख्तलिफ लोग उस इंस्टीट्यूशन के उस ऑफिस के अंदर आते रहे हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन स्टे करता है। इसी तरह जो कैलिफ है या कैलिफेट है, वो एक इदारा है, ठीक है, और वो अब अंडर थ्रेट है, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर पनिशमेंट मिली है, इसी तरह अगर टर्की को पनिशमेंट मिलेगी, तो शे हो सकता है कि कहीं कैलिफेट का इदारा अंग्रेज खत्म ना कर दे। सो सेकेंड पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ कैलिफ वुड बी अ सीरियस ब्लो टू द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुसलमान उम्मा जो है, ये कम्युनिटी है, उसका जो स्पिरिट है वो दफन हो जाएगा अगर कैलिफ का जो इदारा है उसको खत्म कर दिया जाए। सो पीपल आर सेंसिटिव ना,
अभी नाउज बिल्ला शार्ली हेबडो कैरिकेचर्स पब्लिश करती है और आग लग जाती है हमारे पूरे मुल्क के अंदर। आप देखें कि उस जमाने के लोगों को डर लग रहा है कि कहीं खलीफा का ही ये अदारा हटा देंगे तो उन लोगों का रिलीजियस और इमोशनल कोफिशिएंट जो है वो कितना ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हुआ होगा। और वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने खतरे की घंटी बजाई कि अगर ये लोग जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ इस तरह कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, उनके ऊपर पर हैवी पनिशमेंट्स फाइन इम्पोज कर सकते हैं, तो टर्की के साथ क्या करेंगे। तो ये तीन रीजंस ने मिलके मुसलमानों को कन्विंस किया कि वो तहरीके खिलाफत का आगाज जो है वो करें। ठीक हो गया जी। जी Why Indians were suspicious? आप लोग जी नमाज की ब्रेक ले लीजिए, 7:10 पे हर एक की तरफ अजान हो गई है या कुछ लोगों की तरफ अजान हुई है? मतलब आप नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि आप लोग नमाज की ब्रेक किस टाइम लेते हैं? नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है? बाकी टीचर्स किस टाइम लेते हैं, किस वक्त लेते हैं? चले कोई नहीं यार, हमें इतना ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम गॉड से प्रिविलेज ले लेते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हम लेते हैं ठीक है नमाज की। बेहतर बेहतर जी। आई हैव गॉट डायरेक्शन। कुछ सवाल आए थे कि किसी ने कहा कि ऊपर मैं जाऊं। आयशा अकरम ने कहा सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ टर्की पनिशमेंट, कैन यू एक्सप्लेन इट मोर प्लीज। नहीं, मोर की तो जरूरत ही नहीं है, कम में ही हम इसको समझने की जरूरत करेंगे। टर्की जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी के साथ खड़ा था, और मैंने वो शुरू में पूरा वो चार्ट बनाया और मैंने बताया ये मुल्क उसके साथ खड़ा है, ये मुल्क उसके साथ खड़ा है। तो टर्की जो था वो अगेंस्ट ब्रिटेन था। तो अब टर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया जब वॉर हार गए तो जो विक्टर्स ऑफ द वॉर थे, जो यूके है, यूएस है और फ्रांस है, उन्होंने कहा हम आपको पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो उस पनिशमेंट में मुसलमानों को ये डर लगा कि जर्मनी को जो मर्जी आप पनिशमेंट दें, इंडिया के मुसलमानों को ये था कि वी डोंट गिव अ डैम, आप जर्मनी को जो मर्जी पनिशमेंट दें, आप ऑस्ट्रिया को जो मर्जी पनिशमेंट दें, वी डोंट गिव अ डैम। टर्की जो है वो हमारा, क्योंकि कैलिफ वहां है ना, सल्तनत उस्मानिया का जो खलीफा है वो टर्की का लीडर है, तो अगर आप टर्की को पनिशमेंट देंगे तो खिलाफत ये ना हो के उसको आप खत्म कर दें या वो खतरे में पड़ जाए, तो इस वजह से जो है लोग काफी परेशान हो गए थे। मारिया तुफैल कह रही है कि व्हाई इंडियंस वर सस्पिशियस। अब पहले तो जी ये इंडियंस नहीं है, ये इंडियन मुस्लिम्स की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। दे समहाउ शुड बी हैप्पी। नहीं जी, मुसलमान जो है, मैं अभी अपने कल ही दादाबू के पास बैठा हुआ था तो वो खिलाफत के वक्त को याद कर रहे थे, तो मुसलमानों के मजहब का हिस्सा है और उनकी पॉपुलर मेमोरी जो जहां जहां भी मुसलमान होते हैं उनको कैलिफेट जो है वो उनके मजहबी प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, वो इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, सो दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दैट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। उसके बाद शीजा अख्तर कह रही हैं कि सर वाई यूएसए एंड यूके डिवाइड अदर कंट्रीज। जी वो पूरी एक अलहदा बहस है, वो इम्पीरियल बिहेवियर होता है, उसके ऊपर किसी और फोरम के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अभी तक हमने खिलाफत मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट के इंडिया के लोग मुस्लिम कम्युनिटी ने ये तहरीक का आगाज क्यों किया, उसके अंदर हमने जो है वो तीन बुनियादी रीजंस जो हैं डीप सीटेड मुस्लिम फियर्स को डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ अंडर थ्रेट को डिस्कस किया, और थर्ड रीजन भी था एक, आई जस्ट फॉरगॉट, ठीक है उसको हमने डिस्कस किया। बहरहाल पॉइंट इज के अभी तक हमने खिलाफत मूवमेंट का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, उसकी फॉर्मेशन को देखा, और अब हम आ रहे हैं कि एक्चुअली ये तो सारी चीजें हमारे सामने वजह हो गई, खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली इस्टेब्लिश कैसे हुई,
ठीक है, व्हाट हैपेंड, ठीक है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे. उससे पहले जी कुछ सवालात हैं. मेरी जी गुजारिश है, मुझे डायरेक्ट मैसेज ना कीजिए, उससे ये होता है कि बाकी क्लास को पता नहीं होता मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूँ. तो कीप इट इन द ओपन वर्ल्ड, ठीक है, और वहां ही मैं उसका बता दूंगा. नूरे इलाही पठान कह रहे हैं कि डिड द मुगल्स कंसिडर एम्परर अ कैलिफ. जी वहां से एक सर्टिफिकेट आता होता था, तो रिस्पेक्ट थी कैलिफ के लिए मुगलों के यहाँ. एक जी डायरेक्ट में कैसे क्वेश्चन आया कि सर कैलिफ्स हैं कौन, आई डोंट हैव नो आइडिया. अच्छा मुझे जी थोड़ा लगा क्योंकि खलीफा का लफ्ज हम बचपन से सुनते आए हैं, इस्लामियात में मैट्रिक वगैरह ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा था, तो आई एज्यूम कि शायद आप लोगों को पता होगा कि कैलिफ कौन होता है. ठीक है, तो मैंने शुरू में भी बताया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर पहले खलीफा थे, और फिर हजरत उमर थे, फिर हजरत उस्मान थे, फिर हजरत अली, और फिर अबासी कैलिफेट, और फिर सॉरी उमय्याद कैलिफेट और अबासिड कैलिफेट. ठीक है, आप इसको बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर कैलिफेट के ऊपर जो है फर्दर स्टडीज पढ़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर अल जजीरा की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको वहां से भी फर्दर रीडिंग के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं. ठीक हो गया जी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, अब सारा आपके पीछे बैकग्राउंड जो है ना वो क्लियर है. जंग हुई, तीन साइड्स थी, ये हुआ और वगैरह वगैरह. इन नवंबर 1919, मतलब 1919 के अंदर ही वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आई थी. ठीक हो गया. इन नवंबर 1919 अ कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड इन दिल्ली to try to persuade the Britain to maintain the Turkish Empire. ठीक है, तो नवंबर 1919 में दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट किया जाएगा कि वो टर्किश एम्पायर को मेंटेन रखें. किसको मेंटेन रखें? टर्किश एम्पायर. ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत लाजमी है. पाकिस्तान एक कंट्री है, एम्पायर नहीं है. लेकिन पाकिस्तान एम्पायर बन सकता है अगर, अब आप मुझे जज ना कीजिएगा, अगर पाकिस्तान साथ अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में ले ले, आगे उज्बेकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले ले, कजाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले ले, तो पाकिस्तान जो है वो एक एम्पायर बन जाएगा. अपनी टेरिटरी के अलावा दूसरी टेरिटरीज को कंकर करना इज कॉल्ड बीइंग एन एम्पायर. ठीक है, बीइंग एन एम्पायर. जैसे ब्रिटिश एम्पायर था तो इंग्लैंड एंड वेल्स और वो सारे एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन दुनिया के 50-60 और टेरिटरीज, इंडिया, ठीक है, कनाडा, यूएसए, ये सारे उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए थे, इसलिए उसको ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं. तो जो टर्की है वो एक तो मेनलैंड कंट्री है, जो इसको हम ये इंस्टाग्राम वगैरह पे जिसकी तस्वीरें देख रहे होते हैं और वीडियोस देख रहे होते हैं, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास सारा जो इलाका है स्टेपीज का, उसको टर्की कहते हैं. टर्किश एम्पायर अब क्या चीज है, ये किस बला का नाम है? एम्पायर के अंदर, टर्किश एम्पायर के अंदर ये मिडल ईस्ट के जितने मुल्क हैं, सऊदी अरब, इराक, ठीक है, ये सारे टर्किश एम्पायर का हिस्सा थे. ये सारे इस कॉन्स्टेंटिपोल से चलते थे. फिर लिवांट का रीजन जहां पैलेस्टीन है, लेबनान है, सीरिया है, मेडिटेरेनियन के साथ सारा जो इलाका है, ये सारे मुल्क जो है ये टर्किश एम्पायर का हिस्सा. तो मुसलमानों की पहली डिमांड तो ये थी कि एम्पायर को भी नहीं तोड़ना, खलीफा को तो रखना ही रखना है ना, खलीफा को तो आपने रखना ही रखना है, ये ब्रिटेन को परसुएड करें, साथ एम्पायर को भी नहीं करना. तो
जी, एम आई ऑडिबल? सॉरी आई गॉट डिसकनेक्टेड। अच्छा, तो ये जो थर्ड पॉइंट देखें, सो द कॉन्फ्रेंस पास्ड अ रेजोल्यूशन, तो इस कॉन्फ्रेंस ने करारदाद पास की और उस करारदाद के अंदर ये अग्री हुआ कि अग्रीइंग टू सेंड अ डेलीगेशन टू ब्रिटेन टू मेक श्योर दैट द ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द कैलिफ, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि एक वफ्द जो है उसको ब्रिटेन भेजेंगे और ये वफ्द जो है ये अंग्रेज हुकूमत को बावर कराएगा कि मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो अपने कैलिफ के साथ बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, इस चीज को आप कैजुअल ना लें, इस चीज को आप फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है, तो इस वजह से आप कैलिफ के बारे में जब भी कोई फैसला कर रहे होंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनकी इमोशनल अटैचमेंट विद द कैलिफ जो है उसको आपने जरूर मद्देनजर रखना है, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इमोशनल अटैचमेंट है। Now, very surprisingly, Gandhi was also present in the conference. ठीक है, तो ये जो All India खिलाफत conference हो रही है November 1919 के अंदर, इसके अंदर Gandhi साहब जो हैं, वो भी मौजूद हैं, और इस उनकी presence जो है, अब comma के बाद लिखा हुआ है, it reflected the bipartisan spirit of the movement. ठीक है, तो ये जो तहरीक है, इसके bipartisan spirit को ये reflect कर रही है Gandhi की presence. Bipartisan spirit क्या होता है कि ये सिर्फ कोई मुसलमान हिंदुओं का कोई मसला नहीं है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। पार्टी मतलब पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, इसको हम एज अ फिगुरेटिव टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। इस ये तमाम हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो, और जो हिंदू हैं वो भी मुसलमानों के साथ इखलाकी हमायत रखते हैं, ठीक है। तो गांधी ने भी इसके अंदर पूरी की पूरी प्रेजेंस की, उसने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ साथ खड़ा हूं उनकी तहरीक। सो ये जी एक प्लेटफॉर्म भी स्टैब्लिश हो गया, इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जैसे पीडीएम है ना, एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, ठीक है। इसी तरह ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जो है वो नमाया हुआ और वो एस्टैब्लिश किया। सर व्हाई गांधी वाज आल्सो सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट, व्हाई नॉट, ठीक है। एक तो ये कि वो अंग्रेज के खिलाफ था, तो वैसे उसको गोरा जो भी काम करता था वो उसके खिलाफ था, ठीक है। तो उसने कहा कि दूसरा उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का लीडर हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं का लीडर नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट का लीडर नहीं हूँ, मैं जैन का लीडर नहीं हूँ, मैं मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। गांधी ने ये क्लेम किया, ठीक है। तो अगर मुसलमान किसी चीज के बारे में उनको परेशानी है, टेंशन है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये गांधी की फिलोसफी थी। नूरे इलाही कह रहे हैं कि जी गांधी वाज प्रेजेंट बिकॉज ही वाज अनहैप्पी विद द रोल एट एट, जी वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है नवंबर 1919, बाईपार्टिज़न, जी मैंने ताहिरा बता दिया है कि ये किसी एक ग्रुप की का मसला नहीं है। गांधी ये कह रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो बाकी लोग हैं वो भी मुसलमानों के साथ जो है खड़े हैं इस मसले के। Because Indians were in this, not Muslims, not Hindu. जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम इस गांधी रिफ्लेक्टिंग कांग्रेस वर्स कांग्रेस, जी जी कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो दिसंबर 1919 में होती है। एट द सेम टाइम बोथ कांग्रेस एंड द लीग वर ऑल्सो मीटिंग इन द सिटी। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो दिसंबर के अंदर होती है और उसके अंदर कांग्रेस और लीग भी अमृतसर आए हुए हैं। तो तीन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दिसंबर के महीने में 1919 में अमृतसर के अंदर है। तीन कैसे, एक कांग्रेस, एक लीग, तीसरी कौन सी होगी, आप बताइए जल्दी जल्दी। नीचे भी लिखा इट वॉज एग्रीड दैट ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, अभी पीछे पड़ा मेरी जान। ये देखिए, ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मैंने बताया था, मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म, मैंने बार बार वो पीडीएम के साथ एनालॉजी ड्रॉ की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ना गेम अप करनी पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों को फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा लेक्चर के अंदर, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना पड़ेगा। सो अमृतसर के अंदर सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगी, पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर के अंदर हुई और उसके अंदर एक करारदाद पास की गई कि वफ्द भेजा जाएगा डेलीगेशन टू ब्रिटेन, ठीक है, और वो अंग्रेज को जाके कन्विंस करेगा कि प्लीज कैलिफ को कुछ ना करना और टर्किश एम्पायर को कुछ ना करना।
सेकेंड कॉन्फ्रेंस अमृतसर के अंदर हो रही है, पहली अगर जो है वो दिल्ली के अंदर हुई है तो दूसरी जो है अगले महीने अमृतसर में हो रही है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस उसमें है, कांग्रेस उसमें है, लीग उसमें है। इट वॉज अग्रीड दैट ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टूगेदर, ठीक है, टू अपोज प्लान्स टू डिसमेंबर द टर्किश एम्पायर। के तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तीनों मिलकर काम करेंगे और टर्किश एम्पायर की डिसमेंबर होता है तोड़ना, उसको टूटने से बचाएंगे, ठीक है, अंग्रेज को तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अहम बात सबसे लास्ट है, इट वॉज अग्रीड दैट गांधी वुड टेक लीड इन ट्राइंग टू परसुएड द ब्रिटिश नॉट टू पनिश हर। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो काविशें होंगी उनको जो लीडरशिप फराहम करेंगे वो मिस्टर गांधी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिस्टर गांधी जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल हैं, जो मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी एक्सेप्टेबल हैं, और फिर वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी था, मतलब अफ्रीका के अंदर भी लोग उसको जानते थे, वेस्ट के अंदर भी लोग उसे जानते थे, तो गांधी का नाम दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा था। आप देखें ना हॉलीवुड के अंदर भी गांधी पे बहुत ज्यादा मूवीज भी बनी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टैचर है इस बंदे का, तो इसको लीड करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, अब ये तो हो रही है, इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस डेवलप हो रही है, ठीक है, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड हुई, वो तो चल रहा है, गांधी की लीडरशिप तक हम समझ चुके हैं। मीनवाइल 1921 के अंदर ट्रीटी ऑफ सेवर्स आ गई। आप ये ट्रीटीज के जरा नाम देख लीजिए, पहली ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसमें जर्मनी और दूसरा वो जो ऑस्ट्रिया था उसको पनिशमेंट दी गई। अब आ रही है ट्रीटी ऑफ सेवर्स। मीनवाइल अंग्रेज ने फैसला कर दिया कि ऑटोमन एम्पायर वाज टू स्प्लिट अप, स्प्लिट अप मतलब इसको तोड़ा जाएगा एम्पायर, और तोड़ दिया गया, ठीक है, मिडल ईस्ट ले लिया गया, ये सऊदी अरब, इराक, ये जॉर्डन, ये सारे मुल्क उससे ले लिए गए, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान सारे तोड़ दिए गए, और ये ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में डिवाइड कर लिए कि ये मुल्क मैं ले लूंगा, ये वाले मुल्क तुम ले लो, और टर्की जो है उसका, अब अगर आप टर्की का मैप देखें ना, तो टर्की आधा, आपने सुना भी होगा ये, बड़ी हम सुन के बड़ा खुश होते हैं पता नहीं क्यों, कि जी टर्की आधा एशिया के अंदर है आधा यूरोप के अंदर है, ठीक है, और दरमियान में बॉस्फोरस स्ट्रेट गुजरती है, सुना हुआ ना आपने, वी गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, टर्की बड़ा इंटरेस्टिंग है, आधा एशिया में आधा यूरोप में, ठीक है, तो वो जो यूरोप वाला हिस्सा है ना उसका, टर्की का, वो भी ले लिया गया, तो टर्की वालों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा आप लोगों ने एम्पायर हमसे लिया, आपने सऊदी पैलेस्टाइन ये फलानी फलानी चीजें हमसे, मतलब ये मुल्क आपने हमसे ले लिए, चलो ठीक है, हमने आपके साथ लड़ाई की, हम हार गए, हमें आपने पनिशमेंट दे दी, लेकिन आप हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा जो यूरोपियन साइड थी वो भी आप हमसे छीन रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है, तो टर्क्स लेटर रेबल्ड अगेंस्ट दिस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ठीक है, इस ट्रीटी के खिलाफ उन्होंने, टर्कों ने बगावत शुरू कर दी, ठीक है, और उन्होंने, और लड़ाई शुरू होगी, वॉर स्टार्ट होगी, इसीलिए उन्होंने बुरीला वॉर फिर स्टार्ट कर दिया। फिर एक और ट्रीटी है, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ लोजाने, लोजाने इज दिस सम सिटी इन यूरोप, और वो 1923 में आई। तो इस ट्रीटी ऑफ लोजाने में क्या हुआ, सम ऑफ द लैंड लॉस्ट इन यूरोप वॉज रिटर्न्ड but never regained control of the Muslim territories in the Middle East. So, empire to split up ho gaya, wo to baat khatam. Lekin wo jo Turkey ka Europe wala hissa hai, wo Treaty of Lausanne ke tahat wo wapis kar diya gaya. Ke unhe kaha gaya, thande ho jao, koi masla nahi hai. Theek hai, ye lo apna mulk lo pura, aur isi pe khush raho. Lekin empire, nahi, wo nahi. Khilafat, khalifa, wo angrez ne kaha ki, wo tum logon ka apna mamla hai. तो उस पर हम अभी हम फैसला नहीं करेंगे, लेकिन एम्पायर का उन्होंने फैसला कर दिया, टर्की को उन्होंने तोड़ दिया। अब
इधर जी गांधी को भी गुस्सा आया और ये जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस वालों को भी गुस्सा आया कि यार हम करारदादे पेश कर रहे हैं और हम तुम लोगों के यहाँ वफ्त भेज रहे हैं, तुम लोगों की मिनतें कर रहे हैं कि बॉयज थोड़ा इजी लो, ठीक है कोई नहीं, लड़ाई हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अगले को कट टू द साइज कर रहे हैं हमेशा, ठीक है तो, और हम आपको कह भी रहे हैं, आपसे इल्तजाएं भी कर रहे हैं और आपने ये तोड़ तोड़ भी दिया है, एम्पायर को स्प्लिट अप भी कर दिया है, तो नॉन कोऑपरेशन हाइटेंड। अगर आप तीसरा पॉइंट देखें कि अदम तावुन की जो तहरीक है वो बड़ी जोर पकड़ गई, ठीक है गांधी ने कहा कि और ज्यादा जोर करें अदम तावुन को, और अब एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज हुई कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो खिलाफत वाली बात को छोड़कर या उसको थोड़ा सा पीछे रखकर एक वो पूरी की पूरी तहरीक एक जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट बन गई। ये लफ्ज बड़ा अहम है, ठीक है कि आप जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट क्या है, आप हमें सीटें ज्यादा दो, आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, आप हमें सूबों के अंदर जो है वो ज्यादा पावर्स दो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा करो, ये जो वो जो मतलब बीटिंग द बुश वो जो इंडियन डिमांड्स थी, और साथ साथ जी आप खिलाफत का भी ख्याल रखें, तो ये वो, तो खिलाफत भी एक वन ऑफ द इश्यूज बन गया, ठीक है, तो जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट। और बड़े मुसलमान इस चीज का गांधी को इल्जाम भी देते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट को आपने जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट बनाया तो खिलाफत मूवमेंट अपना बेसिक स्प्रिंट जो है वो लूज कर गई और जो बेसिक कंटेंट था वो लूज कर गई और मूवमेंट डाइल्यूट हो गई, ठीक है, और क्योंकि आपने उसको एक जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट जो है वो बना दिया गया, ठीक है, तो ये हुआ जी। और मीनवाइल एक और सब इवेंट भी होता है, ठीक है, अब आप जी नमाज ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, और वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर देन आफ्टर अराउंड 25 मिनट्स, और अगर आपके कुछ सवालात हैं अभी तक तो आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए और मैं आके आपके सवालात से ही टेकअप करूंगा, और उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक सब टॉपिक है हिजरत मूवमेंट, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, अभी चीजों को पढ़ते जाएंगे फिर इनको रिकैप करेंगे, ठीक है, गुड। नेवर रीगेन कंट्रोल मतलब एम्पायर टूट गया है, वो जो मुस्लिम टेरिटरीज हैं सऊदी अरब, ये वो सीरिया लेबनान, वो दोबारा टर्की को कभी नहीं मिली, वो टूट गया मुल्क। अब बाकी सवाल अपने छोड़ जाइए चैट बॉक्स में, नमाज की ब्रेक हम लेते हैं और अराउंड रफली को 25 मिनट्स तक जो है हम अपना लेक्चर दोबारा रिज्यूम करते हैं।
तो उन्होंने एक फिलॉसफी दी, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी दी उन उलमा ने, और वो पॉलिटिकल फिलॉसफी ये है कि दुनिया के अंदर दो किस्म के मुमालिक होते हैं। एक टाइप ऑफ कंट्रीज को हम दारुल हरब कहते हैं और जो दूसरे टाइप है उसको हम दारुल इस्लाम कहते हैं। दारुल हरब वो मुल्क होते हैं जहां अल्लाह ताला के कानून के अलावा कोई और कानून राइज होता है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया था 1947 से पहले, वहां अल्लाह ताला का कानून या शरीयत राइज थी या कोई और कानून राइज था? आप लोगों का क्या ख्याल है? Was it a Sharia law in place, God's law or man's law? Queen का बनाया हुआ दारुल हरब, ठीक है। तो इंडिया जो था वो दारुल हरब था, और दारुल इस्लाम वो मुल्क होता है जहां अल्लाह ताला का कानून राइज में होता है। तो उन उलमा ने कहा कि मुसलमानों के ऊपर ये फर्ज है कि वो दारुल हरब छोड़कर, अगर वो दारुल हरब में हैं तो उसको छोड़कर हिजरत करें टुवर्ड्स दारुल इस्लाम। तो करीब करीब जो दारुल इस्लाम था इंडिया के मुसलमानों के लिए वो था अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री था और उसका जो किंग था वो भी मुसलमान था, और थोड़े बहुत इस्लामिक कवानीन जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर चल रहे थे। तो ये बात जब आम हिंदुस्तान के लोगों ने, बासियों ने सुनी तो उन्होंने अपना सामान शमान पैक किया, घोड़े खच्चरों पर बैठे, बीवी बच्चों को साथ लिया, और सर्दियों के महीनों में उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ हिजरत शुरू कर दी। तो उस हिजरत को हम तहरीके हिजरत बेसिकली कहते हैं। अब वो जब अफगानिस्तान के पास पहुंचे हैं तो अफगान किंग जो था उसने कहा कि अपने फौजियों को कहा कि एक भी बंदा अफगानिस्तान के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान इस जज्बे और इस उम्मीद के साथ गए हुए थे कि अफगानिस्तान के मुसलमान भाई जो हैं वो अंसार और महाजरीन के प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए हमें गले से लगाएंगे, वो बड़े डिसअपॉइंट हुए और उन्हें वापस आना पड़ा। और क्योंकि शदीद सर्दी पड़ रही थी और कंड्यूसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी तो बड़ी हलाकतें हुई, कई कई बच्चे और कई खवातीन जो हैं वो वफात पा गए। तो हिजरत मूवमेंट इन टोटो वाज अ टोटल डिबैकल, ठीक है, एक मुकम्मल हादसा था। और जिना साहब जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं कि कलपते रहे, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार बॉयज थोड़ा चिल आउट करो, थोड़ा रिलैक्स करो, ये किस तरह की हरकतें तुम लोगों ने शुरू कर दी हैं कि दारुल हरब, दारुल इस्लाम, अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर दें, ये वो, ठीक है। तो ये तो अजीब सी बात है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट था हिजरत मूवमेंट का, कि हिजरत मूवमेंट ने जो खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी डिक्लाइन में जा रही है उसको एक धक्का और दिया और एक और हादसा जो है वो करवा दिया, ठीक है। तो ये हिजरत मूवमेंट का टॉपिक किस किस को, ये सब टॉपिक किस किस को समझ में आ गया? ये फायदे फूदे की कोई बात नहीं है अनिल, फायदा कुछ भी, मैं आपको आपको सिंपल बता रहा हूँ कि उलमा ने ये कहा, लोगों ने उलमा की बात मानी, ठीक है, लोग उलमा की बात मानते हैं, ठीक है। अलामा रिजवी साहब थोड़ा अर्सा पहले इधर पाकिस्तान पे होते थे तो उनके कहने के ऊपर लोग उनकी बात मानते थे, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट उस उलमा का आलम, उन जो चार पांच थे उनका नाम तो नहीं पता, बट दिस वॉज द केस, ठीक है। ये भी एक लहदा बहस है कि उलमा पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे या दूसरी चीज, ठीक हो गया। तो ये है जी हिजरत मूवमेंट। तो खिलाफत
मूवमेंट जो है वो इन डिफिकल्टी आ गई है, ठीक है, आपके सामने हालात हैं, टर्किश एम्पायर डिसमेंबर हो चुका हुआ है, खिलाफत मूवमेंट का डिबेकल हो चुका हुआ है, सो इन अ वे खिलाफत मूवमेंट इज इन डिफिकल्टी. एंड ऑन 8 जुलाई 1921 द ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट मेट फॉर द थर्ड एंड फाइनल टाइम, ठीक है, कि ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट या वो कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी तीसरी एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर दे पास्ट, अगर आप सेकंड पॉइंट देखें, मेनी रेजोल्यूशंस, बहुत सी करारदादें जो हैं वो उन्होंने पास की, लेकिन वो तमाम रेजोल्यूशंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना ऑफेंड किया कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन, बगावत के मुकदमे उनके ऊपर बनाए गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया. अब मामलात जो हैं वो और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं. मीनवाइल मोपला जी एक इलाका था और वहां अपराइजिंग हुई, कुछ मुसलमान थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने वहां एक पुलिस स्टेशन को, एक थाने को आग लगा दी. फिर ये था, उसको चुरी चुरा कहते हैं, उस इलाके के अंदर मुसलमानों ने कोई 21 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया क्योंकि गुस्सा आया हुआ था, और गुस्से में तो हो जाता है ना ये सब कुछ. और गांधी साहब ने जब कहा कि ये, उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है, 21 पुलिस वालों को मार दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो फलसफा नॉन वायलेंस का है, मेरा तो फलसफा सत्याग्रह का है, मैं वायलेंस मेरे लिए काबिले कबूल नहीं है. तो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया. और साथ ही साथ 1922 के अंदर सुल्तान जो के खलीफा थे, टर्की का जो सुल्तान था उसको खलीफा का टाइटल मिला होता था, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर, उसको तमाम सियासी ताकत से टर्की के लोगों ने बजाते खुद डिप्राइव कर दिया, मतलब उसको किसी किस्म की सियासी ताकत से महरूम कर दिया, और वो एक नॉमिनल सिंबॉलिक हेड बनकर ऊपर बस बिठा दिया गया. उसको किसी किस्म की इफेक्टिव पावर अगर उसके पास थी तो वो उससे छीन ली गई. और दो साल बाद 1923 में टर्की के हाँ एक लीडर थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उन्होंने कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया, खुद ही टर्की के लोगों ने खिलाफत को खत्म कर दिया और खलीफा को जिला वतन कर दिया, और खलीफा का नाम मोहम्मद सिक्स या महमद सिक्स था. तो वो जो तहरीक जो मुसलमानों ने चलाई थी खलीफा को बचाने के लिए कि अंग्रेज खलीफा को ना खत्म कर दें, अंग्रेज कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ को खत्म कर दें, अंग्रेज ने सिर्फ और सिर्फ टर्किश एम्पायर जो था उसको तोड़ा, और जो कैलिफेट की अबॉलिशमेंट है वो टर्की के लोगों ने खुद कर ली. उन्होंने कहा कि हम दुनिया के आगे और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम साइंस और इंडस्ट्री के मैदान के अंदर तरक्की हासिल करना चाहते हैं और हम मजहब से दूर जाके ये काम कर सकते हैं. ये फलसफा था मुस्तफा कमाल अतातुर्क का, और उसने टर्की के लोगों को अपने साथ मिलाया और कैलिफेट को खुद ही खत्म कर दिया. ठीक है, तो जिन पत्तों पे आपको तकिया था वही हवा देने लगे. ठीक है, तो ये बात जो है कि जिस सारी तहरीक के लिए हमने ये सब कुछ किया था, जिस कैलिफेट को हमने अंग्रेज को हम कह रहे थे कि तू बचा, वो टर्की के लोगों ने खुद ही अबॉलिश कर दी, और इन अ वे द कॉल ऑफ द खिलाफत मूवमेंट केम टू अ डेड एंड बेसिकली. तो ये
सारा जी हमारे पास सूरत हाल है कि खिलाफत जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, टर्किश एम्पायर जो है वो डिसमेंबर हो चुका हुआ है, गांधी साहब ने नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट और जो लीडरशिप है खिलाफत मूवमेंट की वो एबडिकेट कर दी हुई है, हिजरत मूवमेंट में मुसलमानों का नुकसान हो चुका हुआ है और खिलाफत मूवमेंट इज क्लियरली फेल्ड नाउ। ठीक है, शाहजेब साहब कह रहे हैं कि सर मुझे तो लगता है जब कायदे आजम ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान चेंज की तब ये रोला डला होगा, द रेनेसां जैसी फिलोसफी। शाहजेब साहब को थोड़ा सा आपका सवाल जो है वो इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट इन नहीं हो रहा, तो इनशाला इसको हम किसी और फॉरम पे जरूर टेकअप करेंगे। थैंक यू। वाई वाज सुल्तान डिप्राइव्ड ऑफ पोलिटिकल पावर? जी, सुल्तान को इसलिए पोलिटिकल पावर से डिप्राइव किया गया क्योंकि टर्की के जो लोग थे वो मुस्तफा कमाल के पीछे खड़े हो गए थे। मुस्तफा कमाल का पूरा नाम है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ टर्क्स। मुस्तफा कमाल के पीछे इसलिए खड़े हुए थे कि जब ट्रीटी ऑफ सेवर्स आई और टर्की का यूरोपियन पार्ट भी उससे ले लिया गया तो टर्क्स ने बगावत कर दी। ये देखें, टर्क्स लेटर रेबेल्ड। तो इस बगावत को खलीफा नहीं लीड कर रहे थे, खलीफा चिलिंग्स कर रहे थे अपने जो भी उनका पैलेस था या महल था। इस तुर्कों की इस बगावत की जो लीडरशिप थी वो मुस्तफा कमाल नाम का बंदा कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये देखें टर्की को बचाने के लिए खलीफा तो नहीं आए, वो तो अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, ये तो मुस्तफा कमाल आया है। तो मुस्तफा कमाल को फिर उन्होंने अपना लीडर मान लिया टर्की के लोगों ने। मुस्तफा कमाल का ये फलसफा था कि ये जो खिलाफत खलूफत है ना, ये माजी की चीजें हैं, ये जमाना साइंस के ऊपर, तरक्की के ऊपर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर खड़ा है, सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा है, और टर्की ने अगर अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना है तो वो साइंस के ऊपर करेगा, मजहब के ऊपर नहीं करेगा। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम खिलाफत जो है उसको खत्म कर दें। इसलिए टर्की के लोगों ने कहा कि मुस्तफा भाई जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। फिर साथ ही साथ मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये अजान जो है ये स्पीकर में नहीं दी जाएगी और खवातीन बुरका नहीं पहनेंगी, ठीक है, और प्रॉपर फ्रीडम श्रीडम होगा, पार्टी होगी, साइंस के ऊपर यकीन होगा और टर्की जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये मुस्तफा कमाल का कॉन्टेक्स्ट है। कैलिफेट जो है वो अबॉलिश हो चुका हुआ, और इंडिया है क्योंकि उसके लीडर भी अरेस्ट हो चुके हुए हैं, सो इट इज ऑल फेल्ड नाउ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी जी वो डेमोक्रेसी तो नहीं लाना चाहते थे, वो कहते थे मुझे लेके आए, मैं ही सब कुछ हूं, तो वो खुद ही फिर रहे। ये ताहिरा आपके सवाल का जवाब। लीना नवाज कह रही खिलाफत वॉज ऑल्सो नॉट दैट प्योर। जी प्योरिटी तो वैसे ही सियासत के अंदर बहुत मुश्किल चीज होती है, इट्स ऑलवेज एन आइडियल। उसके बाद शाहजेब कह रहे हैं सर द रेनेसां जैसी फिलोसफी मुस्तफा कमाल की, रिलीजन को सिस्टम से दूर करने की। सही 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 सही, ठीक हो गया जी। तो अगला हमारा फिर टॉपिक यही बनता है कि हमारी आंखों के सामने अब ये आयां हो चुका हुआ है कि खिलाफत मूवमेंट फेल हो चुकी हुई है। तो अब जरा हम अगर हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि खिलाफत मूवमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स फेलियर, ठीक है, तो उसका जी एक रीजन ये है कि खिलाफत मूवमेंट के जो मेंबर्स थे they were more concerned with fate of caliph than the Turkish people, ठीक है। तो वो हमें नजर भी आ रहा है कि इतनी टेंशन टर्की के लोगों को नहीं जितनी हम लोगों को हो रही है। मतलब अगर हमारे एक पड़ोस के अंदर, एक घर के अंदर लोगों का मसला हो जाता है और हम उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दें, हालांकि उनके घर वालों को इतनी टेंशन ना हो, सही, तो ये उसी तरह का मामला है, ठीक है, कि आप लोग फिक्स हो रहे हैं। सेकेंड,
अनसस्टेनेबल यूनिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ठीक है, तो ये जो मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी, एक हमें एक फसाड ऑफ यूनिटी नजर आ रहा है कि गांधी को लीडरशिप दे दी गई है और ये और वो, ये यूनिटी अनसस्टेनेबल प्रूव हुई। ठीक है, कि वो जब मौका आया और मुसलमान थोड़े परेशान हुए, कंफ्यूज हुए, और उन्होंने बंदे शंदे, एक तो बंदा मार ही लेते हैं ना यार, जब आपका आपकी डिमांड फुलफिल ना हो, इस तरह ना हो, एक दो पुलिस स्टेशन पे आग लगा दे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन गांधी साहब ने कॉल ऑफ कर दी, तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि गांधी ने जो है ना वो हमें धोखा दिया है और गांधी ने हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। तो उसकी वजह से मुसलमान जो है वो गांधी से भी नाला हो गए और जो लार्जर हिंदू कम्युनिटी है उससे भी नाला हो गए, और उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के दरमियान वो जो यूनिटी बनी थी लखनऊ पैक्ट से वो भी खत्म हो गई, और दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिर इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि तुमने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमने कब धोखा दिया, तुम लोगों को तो टर्की के लोगों ने खुद ही कैलिफेट अबॉलिश कर दी है। सो लेकिन मुसलमानों ने कहा कि गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट को जनरल एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट, मैं दोबारा उस लफ्ज पे आ रहा हूँ, जनरल एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बनाया ना, और खिलाफत मूवमेंट को एक वन ऑफ द मेनी कंपोनेंट्स कर दिया, तो उसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट अपना बेसिक स्प्रिंट जो है वो लूज कर चुकी हुई थी, और मूवमेंट इन अ वे डाइल्यूट कर दी गांधी ने। और अगर ये मूवमेंट रहती तो शायद अंग्रेज किसी ना किसी तरीके से खिलाफत को बचा लेते। ठीक हो गया जी, तो ये तो चीदा कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो है वो फेल हुई। बाकी आप अपनी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना मेरा काम था, आप अपनी तरफ से अगर आपको कोई रीजंस लगते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, डिबैकल ऑफ हिजरत मूवमेंट आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब और भी अगर आपके जहन में कोई रीजन आते हैं फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट तो आप अपनी फ्रीडम पे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब खिलाफत मूवमेंट के इम्पैक्ट को अगर देखा जाए कि ये जो तहरीक थी इसने क्या असर छोड़ा हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर, तो हम देखते हैं कि द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन शोड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन पीपल। मतलब हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो अंग्रेज को बावर करवा सके हैं नहीं करवा सके, लेकिन वो जो अदम तावुन की तहरीक और खिलाफत मूवमेंट, ये जो सारे कोई 4-5 साल थे, इनके अंदर हिंदुस्तान के लोगों की स्ट्रीट पावर जो है, गली मोहल्ले बंद करने की ताकत, ठीक है, और उनकी जो मोबिलाइजेशन पावर है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वो जो स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन पीपल है वो हमें बड़ी सिग्निफिकेंट तरीके में नजर आई। ठीक है, सो हम इस पॉइंट को इस तरह लिख सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन पीपल दैट दे कैन मोबिलाइज देमसेल्व्स दैट दे कैन चैलेंज द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मींस मे बी। सेकंड, इस मूवमेंट ने मुसलमानों को ये पर्टिकुलरली रियलाइज करवाया कि मुसलमान जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो कोई गली भी नहीं बंद करवा सकते, उनके पास पावर टू मोबिलाइज जो है वो है ही नहीं है। वो आपको याद है ना, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो मुसलमानों ने कहा कि यार अगर ये पार्टीशन रिवर्स हुई हम तो एहतजाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास तो इतनी सख्त नहीं है। तो इस खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके मुसलमानों को ये रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं इजी सीन्स है, अगर ऐसा वैसा कोई मसला बन जाए तो हम भी एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो एहतजाज है रिकॉर्ड करा सकते हैं, एंड वी टू हैव द पावर टू मोबिलाइज। बट खिलाफत मूवमेंट का जो एक इम्पैक्ट है, अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो ये गुड वर्ड लिखा हुआ है, ये गुड नहीं आना था, यहाँ गल्फ आना था, गल्फ होता है खलीज, डिस्टेंस। तो खिलाफत मूवमेंट की एंडिंग ने मुसलमानों के दरमियान और अंग्रेज के दरमियान एक और गल्फ डाल दिया, एक और डिस्टेंस डाल दिया। मुसलमान जो है वो अंग्रेज से पहले ही बड़े नाराज हैं, जब से पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में रिवर्स हुई थी,
अब उनका जो अंग्रेज के साथ ताल्लुक है वो और ज्यादा तलख हो गया है, उन दोनों के दरमियान और ज्यादा बैड टेस्ट आ गया हुआ है, सही। और फिर साथ ही साथ सिर्फ अंग्रेजों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात जो हैं वो सर्द मोहरी का शिकार नहीं हुए, बल्कि जो हिंदू कम्युनिटी हैं और पर्टिकुलरली जो गांधी के फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी मुसलमानों के मसले शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुसलमान जो हैं उनको ऐसा लगा है कि गांधी ने और जो हिंदू कम्युनिटी साथ नहीं दिया और जो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया है वो उसने ज्यादती की है, इसलिए मुसलमान कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, कम्युनल वर्ड कम्युनिटी से निकलता है, इन दोनों ने आपस में छोटे छोटे मोहल्लों में लड़ाई झगड़े इनके आपस में शुरू हो गए, तो कम्युनल प्रॉब्लम्स आ गई बिटवीन द हिंदू कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक हो गया जी। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड दिस इज हाउ वी एंड दिस टॉपिक। हमने इस टॉपिक के अंदर इसका आगाज देखा, हमने वर्ल्ड वॉर क्या है वो देखी, फिर हमने ये देखा कि विनर जो हैं वो लूजर्स को पनिशमेंट देंगे और वन ऑफ द लूजर टर्की है, लेकिन टर्की का जो लीडर है वो कैलिफ है, कैलिफ जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए आने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत का आगाज किया। तहरीक खिलाफत का आगाज में ये था कि अंग्रेजों को
that a commission was to be set up after 10 years to inquire into the workings of the reforms set up in 1919. All right. Second point, British Conservative government feared that it might lose power to the Labour Party, which might make too many concessions to the Indians. Okay? So in 1927, just to preempt, it appointed a 7-members committee. ठीक है तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को कि वो शायद इलेक्शन हार जाए और लेबर पार्टी बहुत ज्यादा कंसेशन दे देगी तो इसलिए उन्होंने 1927 में 7 लोगों की मेंबरशिप का एक कमीशन एक कमेटी बना दी ठीक है कि वो रिफॉर्म्स को देखे 1919 के इंडिया एक्ट की वर्किंग को चेक करें जी यहां तक क्लैरिटी है आगे चले नहीं नहीं मैं लोगों को सिविलाइज नहीं कह रहा मैंने कहा था सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी ये वर्ड मैंने यूज किया था ऑलराइट सो साइमन कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड इन 1927 टू इयर्स बिफोर इट्स सपोज्ड फॉर्मेशन कांग्रेस बायकॉटेड इट कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया व्हाई फॉर ऑल ऑफ द कमीशन मेंबर्स वर ब्रिटिश एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंस So the Congress had a genuine point. Congress was, ki yaar dekho, you are forming this commission to see the workings of Government of India Act of 1919. Now this act governs and regulate the life of the people of India. To aap at least India ka bhi koi banda iske andar bitha do. कोई ब्राउन स्किन इंडियन भी इस कमीशन के अंदर बिठा दो आपने 7 के 7 लोग जो हैं वो अंग्रेज बिठाए हुए हैं ठीक तो इस ना सिर्फ के बायकॉट किया कांग्रेस बल्कि कांग्रेस ने कहा कि आप कमीशन कमीशन छोड़ो अब हमें इंडिपेंडेंस दो अब हमें आजादी दो आप हमारी जान छोड़ो एंड जस्ट लीव द सबकॉन्टिनेंट ठीक एंड मीनवाइल कांग्रेस ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला दी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर आप पाकिस्तान की सियासत को कुछ अरसे से देख रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के हाँ ये बड़ा रवाज होता था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ठीक है अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वहां तमाम सियासी जमातें आ जाती हैं ठीक है जैसे पाकिस्तान आवाज JUF ANP MQM PTI तमाम अगर बैठे एक जगह जैसे APS का जो अटैक हुआ था 16 दिसंबर 2014 के अंदर तो उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बैठी थी और उसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो इस तरह कांग्रेस ने भी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस ने एक नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया ठीक है अब साइमन कमीशन के जवाब के अंदर ये रिपोर्ट आ रही है ठीक है तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या था ऐसा ये अब हम जान लेते हैं सो व्हाट वर द मेन टेनेट्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट सबसे पहली बात इस रिपोर्ट जो कि जवाब है साइमन कमीशन को पहला पॉइंट था इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया कि इंडिया को अभी से अब जल्दी से जल्दी आजादी दी जाए फर्स्ट पॉइंट सेकंड और वो जो इंडिया आजाद हो जाएगा इट विल बी अ फेडरेशन मतलब अंग्रेज के जाने के बाद जो इंडिया डोमिनियन फ्री इंडिया होगा वो एक वफाक की मुल्क होगा ठीक है जैसे पाकिस्तान जो है वो एक वफाकी मुल्क है ठीक है एक मरकजी हुकूमत है और 4 सूबाई हुकूमतें हैं पावर सूबे और वफाक के अंदर डिवाइड है ठीक यही बात तब हो रही है ठीक है नेहरू कह रहे हैं कि जब अंग्रेज चला जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर एक मरकजी हुकूमत होगी और सूबाई हुकूमतें होंगी और दोनों के दरमियान पावर जो है वो डिवाइड होगी ठीक पहली तो ये बात ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी ताकत मरकज के पास होगी और 2-chamber पार्लियामेंट होगी ठीक है जिसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं ठीक है कि जो पार्लियामान होगी वो उसके 2 chamber होंगे उसका एक लोअर हाउस होगा एक अपर हाउस होगा जैसे पाकिस्तान की पार्लियामान है इट हैज 2 houses द लोअर हाउस इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट ठीक और हाउस ऑफ फेडरेशन से थर्ड यूनिवर्सल सफरेज ठीक है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जो आजाद हिंदुस्तान होगा उसमें तमाम लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर क्रीड देयर एथनिसिटी तमाम लोगों को वोट डालने का हक होगा
अगर वो बलूगत रखते होंगे, मतलब उनकी 18 साल या 21 साल उम्र होगी, ठीक, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो जट है, वो राजपूत है, वो जमींदार है, वो गैर जमींदार है, नो वरीज, अगर उसकी उम्र है तो वो वोट दे सकता है. सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, और जो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज होंगी आजाद हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, वो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा. जैसे मुसलमान एक माइनॉरिटी है, जैसे रिजर्वेशन जैसे सिख जो है वो एक माइनॉरिटी है, तो उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी, कोटा सीट्स दी जाएंगी, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ये चीजें हमने पहले डिटेल के अंदर पढ़ी हुई है, मॉरल एंड रिफॉर्म्स और उस वक्त, ठीक. नो स्टेट रिलीजन, और जो आजाद हिंदुस्तान होगा उसका अपना कोई मजहब नहीं होगा, वो एक सेकुलर रियासत होगी. जैसे आज का इंडिया है उसका कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया इज कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है. हमारा नाम देखें तो हमारे यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और हमारा आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2 कहता है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, सही. लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान होगा अंग्रेज के जाने के बाद, वो वहां रियासत का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब लोगों का होगा, और अगर कोई मुसलमान है तो गुड फॉर हिम, अगर कोई हिंदू है तो गुड फॉर हिम, और अगर कोई मजहब बदलना भी चाहता है तो गुड फॉर हिम, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं. ये इंसान और खुदा का बाहमी मामला है, ये उसका प्राइवेट अफेयर है, वो खुद इसको देख ले. और जो ऑफिशियल सरकारी जुबान होगी हिंदुस्तान की वो हिंदी होगी. और इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मुस्लिम लीग को एतराज आया, तो अभी हम उस एतराज की तरफ भी जाएंगे, और मुस्लिम लीग का नेहरू रिपोर्ट के ऊपर रद्द अमल क्या है उस चीज पे भी आएंगे. मगर उससे पहले आप लोग बताइए, आप लोगों को क्लैरिटी है, इज इट क्लियर? जी, बेहतर. अब नेहरू रिपोर्ट जो थी वो आई थी एक एज एन आंसर टू द साइमन कमीशन, ठीक है. साइमन कमीशन को जवाब था हिंदुस्तान की बेशतर सियासी जमातों का, और वो नेहरू रिपोर्ट कहलाता है. उस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब ने अपने 14 नुकात दिए, जिसको जिनाज 14 पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक हो गया जी. तो आप जरा जो कॉन्टिन्यूम है या चेन है वो खुद ही ड्रॉ कर ले, ठीक है. इंडिया एक्ट 1919, उसको ठीक करने के लिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुसलमानों की तरफ से 14 नुकात. अब 14 नुकात जो हैं वो तो आपको रीडिंग से भी मिल जाएंगे, जो मैं आपके साथ शेयर की हुई है, या अभी अगर नहीं हुई तो वो मैं आज कर दूंगा. आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे जिना के 14 नुकात. हम 14 के 14 नुकात जो है उनको रट्टा नहीं मारना अपने पेपर के लिए, आपने उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए 14 में से ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बेसिक कंटेंट हैं, बुनियादी कंटेंट हैं, ठीक है, और समरी हैं 14 पॉइंट्स के. तो मैं ये 4 पॉइंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं स्लाइड की, ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिनाह साहब ने नेहरू को कहा कि आप ये हमारे 14 निकात मान लें, और अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो जिनाह साहब के लफ्ज थे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज parting of the ways, के हमारे रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे. अच्छा, तो ये इनकी अहमियत ये है कि यहाँ जुदाई की बात जो है वो भी हो रही है, और जुदाई फिर हमें 1947 और पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी लेके जाती है, ठीक हो गया. ये अहमियत है. अब आते हैं कि क्या जिस्ट ऑफ द 14 पॉइंट्स क्या है, समरी ऑफ द 14 पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट, 1/3 of the elected representatives of both houses of central legislature should be Muslims. जो मरकजी कानून साज असेंबली है उसमें 1/3 जो elected representatives हैं दोनों houses के, lower house के भी और upper house के, मतलब कौमी असेंबली के भी सेनेट के भी, वो मुसलमान होने चाहिए, ठीक है, 1/3, 1/3 of the total membership. Second, बड़ी मजबूत किस्म की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए.
मतलब सूबों की जो खुद मुख्तारी है वो बड़ी मजबूत किस्म की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सेंटर है वो उसकी ट्रेस पासिंग या उसकी इंटरवेंशन से इंसुलेट किया जाए सूबों को, और सूबे अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हो। ठीक हो गया जी। साथ एक अगला पॉइंट था कि जो रेजिडुवरी पावर्स हैं वो सूबों को दी जाए। आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हो चुकी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक पार्ट है ना पाकिस्तान अफेयर्स का। अच्छा चलें, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी तो उसमें जो थर्ड पॉइंट है जो रेजिडुवरी पावर्स हैं ये आपको डिटेल में पढ़ा दी जाएंगी। मैं एक छोटी सी ब्रीफ जो है इसकी आपको दे देता हूँ, इसकी डिटेल जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर जो है वो आपको बता देंगे कि जो फेडरेशन होती है उसमें एक सेंटर होता है और प्रोविंस होता है। जैसे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है सेंटर में और चार सूबे हैं, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं। अब ये जो डिवाइडेड पावर्स होती हैं ना ये लिखी जाती हैं, ये दे आर रिटन डाउन। रियासत का हर काम लिखा जाता है, यू राइट इट डाउन, देयर इज नो वर्बल देयर ऑर्डर्स। ठीक है, ये लिखे कहाँ जाते हैं, एनी आइडिया? ये जो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर है, वेयर दे आर रिटन डाउन, एनी आइडिया जी? वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक हो गया। लेकिन दुनिया के अंदर रोले खत्म होते हैं, अगर कोई इशू रिटन वाली लिस्ट के अंदर नहीं है, अगर आप स्केड्यूल फोर देखें तो उसमें नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा मसला है जैसे यार ये साइबर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनेट के क्राइम्स आ रहे हैं, क्या सारे के सारे मसले या महकमे आप लिख सकते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा मसला आ जाता है ना कि कहते हो यार ये तो लिखा ही नहीं था। वक्त बदलता रहता है ना, 1973 के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था, आज 2022 में आ गए, चीजें बदल जाती, नए महकमे आ जाते हैं। तो व्हाट Ever is not written in the constitution, ठीक है, वो जो भी issue आएगा, जो भी problem आएगी, उसकी power resolution की provinces के पास होंगी। Residuary, residue होता है जो चीज left over होती है, तो लिखे हुए के अलावा जो left out होगा, whatever is left out, वो all those powers will lie with the provinces, ठीक है। तो ये जना साहब की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मुस्तहकम करने की एक ये बात थी। आजकल पाकिस्तान में रेजिडुवरी पावर्स तमाम की तमाम सूबों के पास है, ठीक हो गया। फुल प्रोविंशियल स्टेटस फॉर एनडब्ल्यूएफपी एंड सिंध, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसको अभी तक सूबे का नहीं मिला था स्टेटस, ठीक है, उसको भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, ठीक है। और सिंध जो है उसको भी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वो भी पूरा का पूरा सूबे का स्टेटस उसको नहीं मिला था। तो जिना साहब की डिमांड थी कि इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं, तो इनको भी आप जो है वो सूबे का मुकम्मल सूबे का स्टेटस दें, ठीक। तो ये हो गए जिना के 14 पॉइंट्स एज अ रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट जी। क्लियर है, एनी क्वेश्चन? अब जी हालात आपके सामने हैं और डेडलॉक चल रहा है, साइमन कमीशन दिल्ली के अंदर है और उसके मेंबर्स को बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि इंडियन समर्स वर हियर एंड द ब्रिटिश दे डोंट लाइक इंडियन समर्स, ठीक है। तो उनका था यार जल्दी जल्दी ये रोला मुके और वापस लंदन जाएं एंड जस्ट यू नो थोड़ा सा रिलैक्स करें, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इज स्टिल देयर, स्टिल इंटैक्ट, नथिंग इज बीइंग वर्कड आउट, द कांग्रेस इज नॉट अग्रीइंग विद द ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स आर नॉट अग्रीइंग विद द कांग्रेस, ठीक है। सो इट्स ऑल हॉचपॉच, इट्स ऑल मेसी, इट्स ऑल फुगाजी, इट डजंट एग्जिस्ट ऑन एलिमेंटल चार्ट, ठीक। द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज
खिलाफत मूवमेंट की वजह से ऑलरेडी एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, पॉलिटिकली बोथ आर एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द नेहरू रिपोर्ट, बिकॉज मुस्लिम लीग एंड द मुस्लिम्स बिलीव दैट नेहरू रिपोर्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेस इन सबकॉन्टिनेंट. ठीक, तो ये अभी तक हालात हैं और हम 1930 में आ गए हैं, 1930 में आ गए हैं. पाकिस्तान बनने में पीछे 17 ईयर्स रह गए हैं. तो 1930 में एक बड़ा अहम इवेंट हुआ और उस वो आपने अपने मैट्रिकुलेशन के अंदर और अपने ओ लेवल्स के सालों के अंदर आपने ये इवेंट शायद पढ़ा हो. इसको कहा जाता है अलाहाबाद एड्रेस और उर्दू में इसको कहा जाता है खुतबा अलाहाबाद. ये अलामा इकबाल से एसोसिएटेड है. अलामा इकबाल की पर्सनालिटी से आप लोग आई एम श्योर वाकिफ होंगे. He was a poet, philosopher who came up with the vision of Pakistan, who dreamt about the idea of Pakistan, and he was very instrumental with regard to the awakening of the people of subcontinent, particularly the Muslims of the subcontinent, for the preservation of the Muslim identity, basically. हुआ ये कि 1930 को अलाहाबाद एक शहर है, हिंदुस्तान की एक रियासत है, उत्तर प्रदेश, यूपी इसको कहते हैं. इट्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन द हार्ट ऑफ हिंदी मेनलैंड. यूपी के का ये शहर अलाहाबाद है. मोदी साहब की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि वो यूपी के अंदर भी है, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया हुआ है अलाहाबाद का. इसका अब नाम अलाहाबाद नहीं है, क्योंकि अलाहाबाद जो था ये मोलों ने नाम रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम कॉनोटेशन है तो इसका नाम बदल दिया जाए. सो इट इज जस्ट अ साइड इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू यू गाइस. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अलाहाबाद 1930 मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था. ठीक है, एक एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, और उसको सेशन कह लें, उसको मीटिंग कह लें. और रवायत ये थी, ट्रेडिशन ये था कि कोई एक शख्स उस मीटिंग की सदारत करेगा, उसको प्रिजाइड करेगा. और 1930 में अलाहाबाद में होने वाली मीटिंग की सदारत का जो मनसब है वो अलामा इकबाल को दिया गया. और रवायत ये थी कि जो भी सदारत करेगा वो एक सदारती खुतबा देगा, वो एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस देगा मीटिंग से पहले. तो अलामा इकबाल ने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जिसको सदारती खुतबा कहा जाता है अलामा इकबाल का अलाहाबाद में, और उसको फेमसली अलाहाबाद खुतबा या अलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है. ये तो हो गया उसका कॉन्टेक्स्ट. उस खुतबे में क्या था, ये है जो हमारे काम की चीज है. उस खुतबे के अंदर ही कॉल्ड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट टू वर्क टूवर्ड अचीविंग इंडिपेंडेंट होमलैंड. तो उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक क्लियर कट डायरेक्शन दी और उन्होंने कहा कि बॉयज तुम लोग जस्ट गेट योर एक्ट्स टुगेदर, ठीक है, एंड गेट ऑल सेट फॉर जस्ट अचीविंग इंडिपेंडेंट होमलैंड, बिकॉज आई कैन सी के ये मामलात बहुत बिगड़ने वाले हैं और मुसलमानों की जो शनाख्त है वो मलिया मेट हो जाएगी अगर आपको एक खुद मुख्तार रियासत या मुमलिकत ना मिली. ठीक, लेकिन क्यों, व्हाई द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट शुड स्ट्राइव फॉर अ इंडिपेंडेंट होमलैंड. आप लोगों की इस्लामियात की क्लासेस हो गई, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा है इस्लाम एज रिलीजन एंड दीन. रिलीजन और दीन सारी वही कहानी है. थर्ड पॉइंट कि मुसलमानों का इशू ये है, ये अलामा इकबाल कह रहे हैं कि यार हमारा जो मजहब है ना इस्लाम, वो एक रवायती मजहब नहीं है. मतलब नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना और तस्बीह शस्बीह कर लेना, मतलब और हिंदुओं में जिस तरह है कि मंदिर चले जाना, इट्स नॉट जस्ट रिचुअल्स. इस्लाम
is not just rituals. Islam is not just a religion. Islam का मजहब का लफ्ज तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ. लफ्ज कुरान पाक में दीनकुम इस्तेमाल होता रहा है, दीन का वर्ड इस्तेमाल होता रहा है. दीन के लफ्ज की अंग्रेजी जुबान के अंदर ट्रांसलेशन नहीं है, उसको कहा जाता है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. मजहब की तो ट्रांसलेशन है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, मजहब को इंग्लिश में कहा जाता है रिलीजन, वन वर्ड ट्रांसलेशन. दीन के लिए वन वर्ड नहीं है, उसको कहा जाता है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात. इसे मुराद है कि इस्लाम इज क्रिएटिव ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेसिकली, ठीक है, एक मुकम्मल सोशल सिस्टम है विद इट्स ओन पिक्यूलियर लॉज रूल्स. और वो पिक्यूलियर लॉज और रूल्स तभी इंप्लीमेंट हो सकते हैं जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास अपना इलाका हो, अपनी आजाद टेरिटरी हो, जहां वो अपनी जिंदगी जो है इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक बसर कर सके. ठीक, तो ये वही इस्लाम एज दीन एंड रिलीजन वाली बात जो है वही बुनियादी फलसफा था इलाम इकबाल का. सो ही सजेस्टेड द एमलगेमेशन ऑफ पंजाब एंड डब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान इनटू अ सिंगल स्टेट. और जब सिंध बॉम्बे से सेपरेट हो जाएगा और मुकम्मल सूबा मिल जाएगा, तो इन चारों को मिला के उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान बना दें. ठीक हो गया, तो ये अलाहाबाद. सो अलाहाबाद एड्रेस इज इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड दैट इट अवेकन द कॉन्शियसनेस. मुस्लिम्स थॉट के बस इधर ही रहना है और हिंदुओं से इसी तरह लड़ लुड़ के ना बस जिंदगी बसर करनी है और अपने राइट्स लेनी है. तो इलाम इकबाल ने उन्हें डायरेक्शन कि व्हाई नॉट गो ऑल ऑल इन ऑल एंड जस्ट स्ट्राइव फॉर अ इंडिपेंडेंट होमलैंड. ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि आपने बंगाल को तो आप आजाद करें ना, उधर से ईस्ट बंगाल को वो भी आजाद करें, उसको पाकिस्तान के साथ मिलाना है नहीं मिलाना वो बात का फैसला है, लेकिन उसको जहां जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो साइड पे है और मेजॉरिटी में है उसको आजाद कर दो. ठीक, स्पेसिफिकली उन्होंने इन्हीं इलाकों का मेंशन किया ये जो इस स्लाइड के ऊपर लिखे हुए. ठीक, पंजाब में देन ही आल्सो थॉट ऑफ कश्मीर. ठीक है, कि कश्मीर भी बस पाकिस्तानी आएगा. जी, क्लैरिटी है, चले आगे. ये एक स्मॉल इवेंट था जो रस्ते में आया बट इंटेलेक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मुसलमानों को एक विजन दे दिया, एक और वो कहते हैं ना मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया दे दिया कि व्हाई नॉट हैव अ बेटर थिंग. सही, लेकिन ये तो हो गया, मतलब अल्लामा इकबाल ने ये बात कर ली एंड गुड फॉर दैट. पर वो हमारे मसले का क्या बना? वो जो साइमन कमीशन आया हुआ था और वो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, अब तो 1930 आ गया है, 1919 के रिफॉर्म को तो जंग लग रहा है, वो तो पुराने हो रहे हैं, उनको तो ठीक नहीं करना था. साइमन कमीशन ने आके इसकी मॉडिफिकेशंस नहीं रिकमेंड करनी थी, तो उस मसले का क्या बनना है? उसको तो आपकी नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, आपकी नेहरू रिपोर्ट को तो जिनाह साहब ने 14 नुकात के साथ रिजेक्ट कर दिया. वेयर आर ऑन दैट एंड डेडलॉक, कंप्लीट डेडलॉक. तो अंग्रेज ने कहा कि इस डेडलॉक को खत्म कर. ठीक, वो जो साइमन कमीशन वाला चल रहा है, क्योंकि नए रिफॉर्म्स लेके आना बड़ा वक्त हो गया ना, 1919 और अब 1930 में आ गए, 11 साल हो गए. तो उसने कहा कि नया आइन तो लेके आना है, नया एक्ट तो लेके आना है. तो इस तरह करते हैं कि जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी थी, ठीक है, वो चले गए थे वापस. बेशक हिंदुस्तान के लोगों ने उसे माना नहीं माना, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो अपनी सिफारिशात मुरतब करके चले गए थे. और अगली बात ये थी कि अंग्रेज ने कहा कि इस तरह करो कि ऑल यू इंडियन पीपल, द मुस्लिम लीग, द कांग्रेस, द प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी हो आप सब, ऑल ऑफ योर शेड्स एंड कलर्स, कम टू लंदन. ठीक, हम आपका TADA देंगे, सही है, लंदन में एक बेहतरीन होटल में तुम लोगों को ठहराएंगे, हाइड पार्क की सैर करवाएंगे. ठीक है, अगर तुम में से कोई और इंग्लैंड के म्यूजियम्स देखना चाहता है, कोई और चीज देखना चाहता है, वो भी आपको दिखाएंगे. और जस्ट कम ओवर हियर एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन. ठीक, सो The British called a round table conference in London basically to discuss Simon Commission's recommendations. Isko round table kyun kaha jata hai? That all are equal, theek hai? No one will be the president, no one will be the chair, theek hai? Hum tamam log jayenge wo equal honge.
अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक नहीं हुई, ये तीन हुई थी, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर 1930 में हुई, सही, एंड इट वाज अटेंडेड बाय मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक, तो मुस्लिम लीग लिबरल्स भी एक फैक्शन था, एक एक सियासी फैक्शन था हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता था, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके नुमाइंदे थे वो भी इसमें आए हुए थे। कांग्रेस रिफ्यूज्ड टू अटेंड अनलेस इट इज गारंटेड दैट ऑल रिकमेंडेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस विल बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें एक गारंटी ना दी जाए कि जो भी सिफारिशात होंगी इस कॉन्फ्रेंस की उनको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेज ने कहा कि यार जो भी मामलात हैं वहां बैठ के कर लेंगे ना, एक बार आप पार्टिसिपेट तो करो। कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप पहले हमें, आप लोग हमेशा बुला लेते हो चाय पानी पे और तस्वीर शस्वीर बना लेते, होता नहीं है, तो आप हमें फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तय होगा वो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो बहरहाल अंग्रेज ने इस तरह की किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी, तो कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नाउ आपको इसका क्या ही नतीजा निकलेगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि हिंदुस्तान की आप बेशक पाकिस्तान के लोग जितना मर्जी खिलाफ करें लेकिन वो एक सियासी हकीकत तो है ना, कांग्रेस वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो इसका मतलब है कि उसके कंसेंसस या इनपुट के बगैर आप कोई कंसेंसस बेस्ड सोल्यूशन तो नहीं मुरतब कर सकते। कांग्रेस के ना होने के बावजूद कॉन्फ्रेंस हुई और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबरान थे उन्होंने कहा कि अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो दे डिक्लेयर्ड दैट दे वुड जॉइन अ फ्यूचर फेडरेशन ऑफ इंडिया एज लॉन्ग एज देयर राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की जो भी एक मुस्तकबिल की जो भी वफाकी हुकूमत बनेगी हम उसको ज्वाइन करेंगे बस एज लॉन्ग एज आर राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। सो व्हाट कैन बी द राइट्स ऑफ अ प्रिंस, प्रिंस का यही राइट है कि ही शुड बी यू नो allowed to continue as prince of his respective state, ठीक है, तो अगर महाराजा ऑफ कश्मीर है तो आप उसको महाराजा रहने देंगे अगर हिंदुस्तान में नया आईन आता है, अगर कोई नवाब ऑफ बहावलपुर है तो आप उसको नवाब रहने देंगे, आप उसको तंग नहीं करेंगे, थाना कचहरी टैक्स वो सारा अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर वो खुद ही देखेगा, डिप्टी कमिश्नर उसको तंग नहीं करेगा। इसी तरह महाराज ऑफ बीकानेर है तो मतलब तमाम का ये था कि आपने हमें अपने थ्रोन के ऊपर हमारे तख्त ताज के ऊपर रहने देना है, उस पर हमें अपने तंग नहीं करना। तो ब्रिटिश बोला नहीं नहीं ईजी सी ना, तुम लोग तो वैसे ही अच्छे हो, ठीक है, बस आपने हमें, अंग्रेज ने कहा पैसे जैसे देते रहना है बाकी यू कंटिन्यू टू स्टे देयर। The British agreed that representative government, अगर last point देखें, representative government should be introduced at provincial level, ठीक है, और वहां किसी ने ये बात की कि वो जो आपने डायरकी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है ना उसको आप खत्म करें और गवर्नर से आप लें वो पावर्स जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं और वो भी सारे चीफ मिनिस्टर को दें, ठीक है, तो सारी की सारी जो इख्तियार हैं वो मुंतखब नुमाइंदे को आप दें, ठीक है। तो अंग्रेज ने कहा कि हाँ ये बात आपकी जेन्युइन है, ये हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि हम इसको इस तरह कर देंगे, तो ठीक है हम सूबे के अंदर जो है मुकम्मल नुमाइंदा हुकूमत के क्याम के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन ऑन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड इफ इट्स क्लियर जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, we move to the second round of the conference and we move to the second round of the conference with one thing in our mind, wo ye hai ki congress did not participate in the last one and without having congress on board you cannot have a sustainable constitutional solution of the indian problem, theek hai, so the incumbent thing upon the British government was to somehow convince the Congress to join the second round table conference. So in this regard,
Mr. Irwin, who was then viceroy, met Mr. Gandhi and they signed a pact. So, if you look at the first point, then the Gandhi-Irwin pact was signed. See? So, Gandhi sahab and the viceroy, Mr. Irwin, they, and Mr. Irwin was a nice, fine gentleman. ठीक है, never smoked, never had a coffee. ठीक है, and very kind, and he met Gandhi and कहा कि सर प्लीज आप ज्वाइन करें, आप आए, आपके बगैर हम हिंदुस्तान का जो आईनी हल है वो नहीं तलाश कर सकते. उस और इन्होंने मुआहदा किया. मुआहदे में क्या था, गांधी इरविन पैक्ट के अंदर क्या था, मेनी पोलिटिकल प्रिजनर्स वर फ्रीड. ठीक है, तो वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त कुछ सियासी कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे कांग्रेस के, उनको आजाद कर दिया गया. और गांधी ने अग्री किया कि वो अपनी जो उनकी डिमांड है फॉर फुल इंडिपेंडेंस, उससे वो स्टेप डाउन करेंगे. ठीक है, उसको गिव अप करेंगे. गांधी ने जब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड की तो कह रहे थे कि मैंने अंग्रेज से सवाए मुकम्मल आजादी की और कोई बात नहीं करनी. ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली हुई थी गांधी ने. वो कह रहे थे मैं तो किसी शॉर्टर देन दिस देन फुल इंडिपेंडेंस आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग. पर अब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं आपके साथ लोअर लेवल पे भी बात कर लेता हूँ, लेकिन आप मेरे लोगों को छोड़ें. सो इस पैक्ट के तहत उनके लोग छोड़ दिए गए और गांधी ने अपनी डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस गिव अप कर दी. बट स्टिल द कॉन्फ्रेंस फेल्ड. Why? अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें तो कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस फेल्ड बिकॉज लेबर पार्टी लॉस्ट पावर. डिड यू वंडर के दुनिया माइट इज राइट के प्रिंसिपल पे चलती है. द पीपल ऑफ इंडिया आर द कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट्स ऑफ द क्वीन. आप कॉलोनी है ना, और आप कॉलोनी इसलिए बने क्योंकि आप लोग कमजोर थे, इसलिए 10,000 लोग आपके ऊपर आके 4 करोड़ लोगों के ऊपर कब्जा कर गए ना. आप लोगों से मुराद हमारे एंसेस्टर्स. ये आपको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है कि आपको लंदन लेके जाया जा रहा है, आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठाया जा रहा है, आपसे सफारिशात किए जा रहे हैं, आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जा रहा है, आपकी मिंत की जा रही है. हालांकि द ब्रिटिश आर द ऑक्युपायर्स, दे आर द पावरफुल साइड. आपके साथ इतना वो गुड़ी गुड़ी क्यों है. द रीजन इज बिकॉज द लेबर पार्टी इज इन पावर. ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर हैपनिंग ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेबर पार्टी. दीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द लेबर पार्टी इन इट, एंड द लेबर पार्टी हैज ऑलवेज रिमेंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इट्स ओन इडियोलॉजिकल रीजंस. सी, बट नाउ दैट पार्टी जिस की मंशा और मर्जी से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दैट पार्टी हैज लॉस्ट पावर. से एंड इफ दे हैव लॉस्ट पावर देन हु विल कम, देयर आर ओनली टू पार्टीज ना. सो द कंजर्वेटिव्स हैव कम एंड दे वुडंट लाइक इट. ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर. तो एक इस वजह से, क्योंकि लेबर पार्टी का पॉलिटिकल पैटर्नेज खत्म हो गया है, उन्होंने वो जो ऊपर आपके ऊपर शफकत भरा हाथ रखा हुआ था वो चला गया. So the conference failed. और गांधी साहब ने इरविन की तो बात मान ली थी कॉन्फ्रेंस में, आप भी गए थे लंदन, बट ही वॉज वेरी स्टबन. स्टबन मतलब ढीठ. वहां जो भी अंग्रेज को कहे ये कर देते हैं वो करते हैं, गांधी वॉज लाइक नो. उनका ये कर देते हैं, गांधी वॉज लाइक नो. ठीक है, सो लाइक ही रिमेन वेरी इनफ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स. लिबरल पार्टी लूज इलेक्शन, हार गई ना. तो वहां मीनवाइल इलेक्शन हो रहे होंगे ना. However, NWFP and Sindh were declared as full provinces. ठीक है, और ये अहम चीज है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये वादा कर दिया गया कि सिंध और NWFP को फुल प्रोविंसेस. So if there was any productive, tangible thing from the second round table conference, it was this. ठीक है, from the first round table conference, this was the important big ticket item कि representative government जो है वो सूबे में लेके जाएगी. From the first one. From the second one, NWFP and Sindh will be the given full provinces. So Muslim League is very happy. यहाँ पहली वाली में भी वो खुश है और दूसरी वाली में भी खुश है. ठीक है,
नाउ वी मूव टू द थर्ड राउंड एबल कॉन्फ्रेंस विच इस पे पहले तो बातें चल रही थी कि रहने दो यार, लेबर है ही नहीं है तो थर्ड राउंड एबल कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है, बट स्टिल क्योंकि स्केड्यूल हुई हुई थी, ऑर्डर में थी, तो उन्होंने कहा कर ही लेते हैं। पर मसला क्या हुआ कि एक तो वो चला गया हुआ है ना, लेबर पार्टी इज गॉन ना एंड द कंजर्वेटिव्स आर बैक इन द पावर, और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इज गॉन और वेलिंगटन इज द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन, एंड लॉर्ड वेलिंगटन हैड अ रॉयल ब्लड इन हिम एंड रॉयल ब्लड हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, और ही वाज वेरी बिलिजरेंट, बिलिजरेंट मतलब गुस्से वाला बंदा, गुस्से और रैश किस्म का बंदा, नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर सॉर्ट ऑफ अ गाय, एंड ही अरेस्टेड मेनी कांग्रेस लीडर्स एंड जिन्ना गॉट सो फेड अप विद इट के यार ये एक गल किसे बने लग गई नहीं रही, ही वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइल or nothing significant was achieved. So third roundtable conference was just like a come over, have a coffee, talk, and just like go back to India. That was it. So in a way, the roundtable conferences, except for two things, nothing significant could happen, and we are still in a constitutional deadlock. ठीक है, और when we are in any deadlock. और 1919 का एक्ट उधर ही है, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस उधर ही हैं, इट्स ऑल स्टेलमेट और इट्स ऑल डेडलॉक। तो डेडलॉक को खत्म करने का एक तरीका तो होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं, जो प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाएं, और वो हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंच नहीं रहे। फिर दूसरा हल डेडलॉक से निकलने का ये है कि जो डोमिनेंट प्लेयर है वो यूनिलेटरली एक्ट करे। लेकिन ये बात समझाने के लिए मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि इस सारी कहानी के अंदर डोमिनेंट प्लेयर कौन है? ब्रिटिश, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वॉइस, इट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। यूनिलेटरली एक्ट का मतलब है कि किसी से पूछे बगैर खुद ही एक्ट कर देंगे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों से बहुत पूछा, बड़ी सर खपाई, we did all those wranglings and all those petty squabbles, but nothing has been achieved. So they acted unilaterally and they gave Government of India Act 1935 at their own. Despite failure of roundtable conferences, British government announced its proposals for government, which was passed as Government of India 1935. And with this, India Act 1935 क्या था, उसके मंदरजा क्या थे, वो हम अपने लेक्चर में देखेंगे। और फिलहाल के लिए बस ये देखते हैं कि जी 1935 इंडिया एक्ट ने हिस्ट्री को मूव किया, हम 1919 के रिफॉर्म से निकले और एक नई स्ट्रीम और नई एपिसोड में दाखिल होंगे अब। ठीक है, और 35 का एक्ट जो है उसको अब हम अगले लेक्चर से देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है, अगर आप मुझे कहें कि आप सर इसका रूट कॉज ट्रेस करके बताएं, बीइंग द टीचर ऑफ द प्री पार्टीशन, तो पाकिस्तान की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैंने उनको लोकेट करना हो या ट्रेस करना हो, तो मैं उन्हें 35 के एक्ट में करूँगा। उसके ताहिरा वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि जना साहब ये सारी जो डेडलॉक था उससे फेड अप हो गए, वो जिलावतन हो गए और वो लंदन चले गए और उन्होंने कहा कि मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। जी, आप लोगों के साथ मैंने बुक शेयर की है क्योंकि मरियम इज ऑल्सो आस्किंग, बुक शेयर की है मैंने आपके साथ, आपके किसी सीआर के साथ, जीआर के साथ, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें आपको किसी ने चीजें शेयर की हो, मटेरियल। अच्छा, ऑलराइट, देन वी हैव अच्छा चले, मैं आपकी जो क्लास रिप्रेजेंटेटर जो हैं, कोऑर्डिनेटर, मैं उनको फिर लेक्चर भिजवाता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई सीआर है या जो, तो आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो मुझसे ले लें लेक्चर्स, मैं उनके साथ शेयर करवा दूंगा।
से प्लीज नेक्स्ट टाइम भी 6 to 9 मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, 6 to 9 कर लेंगे, 6 to 9 कर लेंगे। ऑलराइट जी, लेक्चर्स आपको डिलीवर हो जाएंगे, नो वरीज। बेस्ट विशेस जी, बेस्ट विशेस फॉर यू।